तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यूपीएससी के साथ साथ जितने भी अदर एग्ज़ाम जो अभी संभावित हैं, उस दृष्टिकोण से मैंने करंट अफेयर्स का एक नया सीरीज़ लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। करंट अफेयर्स पे बहुत सारे मास्टर वीडियो आ चुके हैं, किसी ने देखे हैं कि नहीं देखे। इससे पहले एक इसका पहला एपिसोड जो था वो 18 अक्टूबर तक अद्यतन था। 18 अक्टूबर से बाद की जितना भी करंट अफेयर्स है, 15 मई तक का करंट अफेयर्स यहाँ पे समाहित करने का कार्य किया है। मैंने यहाँ पर 18 अक्टूबर से पहले का करंट अफेयर्स नहीं किया है। हाँ, कुछ घटनाएं हैं जो 18 अक्टूबर वाले वीडियो में नहीं थी, तो वो यहाँ पर है, इसलिए उसको एक बार देखना है, इसको एक बार देखना, और इसके बाद आराम से एग्ज़ाम में जाओ, आराम से सारे क्वेश्चन करके आओ करंट अफेयर्स के, वो प्रयास मैंने किया है। अब एक बात और बात है आपकी, जो यूपीएससी का एक अनुभव है, एग्ज़ाम में आम तौर पे जो क्वेश्चन आप पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि हालिया समय में समाचार पत्रों में है ना, कोई क्लॉज यदि नाम पे हुआ या फिर कोई चीज़ ज़्यादातर पूछी जा रही हो, चल रही हो, ट्रेंड में हो, तो आम तौर पर यूपीएससी उन क्वेश्चनों को अब इस दृष्टिकोण से पूछ रहा है। उन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आज आप लोग 2 घंटे की इस क्लास में निश्चित तौर पर उन सभी विषयों को जान पाएंगे जिसको जानने में आपको 1 महीने से 1.5 महीने लग जाते हैं। ये कंप्लीट सिनेरियो है, और यदि आप पहला इसका एपिसोड देख लें और दूसरा ये देख लें तो आपका निश्चित तौर पे करंट अफेयर्स में एक विस्तृत समझ बनती चली जाएगी। मेरा प्रयास भी यही है कि जैसे ही समय बीतता जाए फिर मैं अगला एपिसोड लाता जाऊं। तो अभी तक का 15 मई तक का अद्यतन करंट अफेयर्स ये रहा। इस करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों को राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय विषय वस्तु भी समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको विधि और न्याय संबंधित यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी महत्वपूर्ण मामले हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए जितनी विषय वस्तु हैं, चाहे वो अनुच्छेद का संविधान का संविधान संशोधन 103 हो, 102 हो, 101 हो, 100 हो, 99 हो, कुछ जो लेटेस्ट हैं अभी के वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो विधि और न्याय से जुड़े हुआ मामले, आपका अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मामले वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए मामले, पर्यावरण जैव विविधता से जुड़े हुए मामले, इसके अतिरिक्त जो पर्सन एंड न्यूज़ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, चाहे वो पुरस्कार हों, चाहे नियुक्तियाँ हों, चाहे रिपोर्ट और सूचकांक हो, चाहे वर्तमान में आया हुआ अंतरिम बजट हो, ठीक है, पूर्ण बजट आएगा इस सरकार के बनने के बाद, अंतरिम बजट भी हमारे सामने है, तो कुछ बातें इसकी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी। इसके अलावा 2019 या 2017-18-19 में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो भारत के भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि रही हो, है ना, अभी 2019 में महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ 150 साल पूरे हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी मैं आपकी यहाँ पे चर्चा करूँगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के इसी साल 100 वर्ष पूरे हुए हैं, और इसके लेकर के अभी सरकार ने एक संशोधन भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा प्रस्तुत किया है, जिसमें अभी तक जो उसका ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसको ख़त्म करके पूर्ण गैर राजनीतिक तौर पर उसे विकसित किया जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। इसके अलावा और जो विषय वस्तु मुझे समझ में आई है मैंने यहाँ पर डालने का प्रयास किया है। तो एक कंप्लीट सिनेरियो मैं आपको देने जा रहा हूं, जितना संभव हो पाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंप्लीट ही है, क्योंकि चीजें बहुत बड़ी होती हैं। यहां पे मैं महत्वपूर्ण आंकड़े लेकर के आ रहा हूं। तो पहला पार्ट आप लोग यदि देख लेंगे जो 18 अक्टूबर वाला है, वो भी मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा और वो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है मास्टर वीडियो के, और दूसरा ये आपका करंट अफेयर्स से आपका कोई चीज दिक्कत नहीं होगा। अब अगली बात इस बात को है कि अब आपको मेरे साथ बैठना होगा 2 घंटे की अवधि में, ठीक है। मैं कम से कम 2 घंटे की अवधि तक आपको चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठिए, और इस 2 घंटे में बोर नहीं होने दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ये डाटा बहुत ज़्यादा है, आपको सिर्फ मुझे सुनना है बस, और कुछ नहीं करना। मेरी टीचिंग स्किल की क्वालिटी होगी कि मैं आपके ध्यान को अट्रैक्ट करूं अपने तरफ और पूरे नॉलेज को आपके अंदर भर दूं। ये पूरा बोर्ड मुझे आपके दिमाग में सेट करना है, ठीक है, इसलिए सिर्फ मुझे सुनिए, हलचल मत कीजिएगा, आराम से बैठिएगा, एक आपका टेस्टिंग है, है ना, इसलिए बस इत्मीनान से चालू करना, मैं प्रारंभ करता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय मुद्दे से, है ना।
राष्ट्रीय मुद्दे में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बनी रही और जिसको लेकर के भारत के विभिन्न समय में लगातार भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर के विभिन्न प्रकार के लीडर सामने आते रहे। RTI एक समय आया था, RTI के बाद जो है अन्ना आंदोलन हुआ बड़े स्तर का, और अन्ना आंदोलन का उद्देश्य था कि भारत में एक प्रभावी संस्था बने जो भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगा सके, वो था लोकपाल बिल के लिए, है ना। लोकपाल बिल संसद में पारित ही नहीं हुआ बल्कि एक लोकपाल की नियुक्ति भी हो चुकी है, न्यायमूर्ति PC घोष को लोकपाल बनाया गया है, है ना। इनका पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत जो है संसद में पारित हुआ था और काफ़ी समय से ये पद जो है भरा नहीं जा रहा था। और इस लोकपाल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ये एक तर्ज है, किसी तर्ज पे बनाया गया है। ओम्बुड्समैन संस्था का नाम आपने सुना होगा और विश्व में लोकपाल की शुरुआत सर्वप्रथम स्वीडन में ही हुई थी, वहाँ पे ओम्बुड्समैन संस्था जो है, और उसके बाद विश्व में फिनलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में, USA में, है ना, और ब्रिटेन में, फिर भारत में। तो कई जगह पे लोकपाल है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे पहला प्रयोग है इसका, ठीक है। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया था संसद में और पारित भी हुआ। इसका उद्देश्य है सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच पड़ताल करना, और इसमें इसको इतना पावरफुल बनाया गया है कि भारत के जो सर्वोच्च पद हैं वो भी इसके अंतर्गत आ सकें, है ना, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वयं क्यों ना हो या प्रधानमंत्री का कार्यालय स्वयं क्यों ना हो, ठीक है। इसी उद्देश्य से जो है तो यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 वर्ष 2013 में ये पारित हुआ और सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच पड़ताल करेगा। लोकपाल एक केंद्रीय संस्था है और हर राज्यों में लोकायुक्त होंगे, ठीक है, हर राज्यों में एक लोकायुक्त का पद होगा जो ये कार्य करेगा। इसकी नियुक्ति कौन कौन करता है? लोकपाल की नियुक्ति में एक पैनल बनाया गया है, इस पैनल में प्रधानमंत्री स्वयं होंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो भी होंगे, और इसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष, विपक्षी दल का नेता और प्रतिष्ठित न्यायविद, इतने लोग मिल करके लोकपाल को चुनेंगे, ठीक है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC में क्या करता है, आपको सेंटेंस में दे देगा और कोई एक गायब कर देगा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझना चाहिए। पात्रता क्या होनी चाहिए, या तो भारत के न्यायाधीश रह चुके हों, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हों, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हों, यदि दो चीजें हैं उनके अंदर ये पात्रता में, तो लोकपाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्यकाल इनका 5 वर्ष होगा या फिर 70 वर्ष की आयु तक, या तो 5 वर्ष या तो 70 वर्ष की यदि आयु उनकी हो गई तो वो रिटायर हो जाएंगे। विश्व में लोकपाल की शुरुआत सर्वप्रथम स्वीडन में हुई थी, राजा चार्ल्स 12वें द्वारा 18वीं सदी में इसको प्रारंभ किया गया, ओम्बुड्समैन संस्था बनाई गई, फिर इसके बाद 1919 में फिनलैंड में, 1953 में डेनमार्क में, 1963 में नॉर्वे में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है स्वीडन, ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जा सकता है कि किसकी तर्ज में बनाया गया है। ये हुआ पहला मुद्दा आपका लोकपाल से, याद कर लीजिए, रट लीजिए, PC घोष चूंकि पहले हैं इसलिए हमेशा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे ये। अगला चलते हैं, भारत में एक महत्वपूर्ण दुखदायी घटना 14 फरवरी 2019 को घटी, पुलवामा अटैक, है ना, और पुलवामा अटैक में एक कायराना हमला किया गया जैसे मोहम्मद के द्वारा करवाया गया, भारत में एक फिदायीन हमला हुआ और CRPF के जवानों का एक पूरा कारवां चाह रहा था, उस कारवे को एक IED से भरी हुई कार से ब्लास्ट कर दिया गया और उस ब्लास्ट में 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। फाइनली 26 फरवरी 2019, ये इंपॉर्टेंट है, ये टाइम तक याद रखिएगा क्योंकि मैंने देखा है छोटे छोटे एग्जामों में टाइम तक पूछता है। 26 फरवरी 2019 सुबह 3:30 बजे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, है ना, आप लोगों ने सुन रखा होगा पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ म्यांमार में, सेना के द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन इस बार एयरफोर्स ने जिम्मा उठाया और पाकिस्तान के अंदर जाकर के जो उसका खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वहाँ पे बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद सेक्टर में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया गया, जिसमें यह दावा किया गया स्वयं भारत सरकार के द्वारा कि 300 से 350 लोग जो है उसमें मारे जा चुके हैं, और इस पे जो है डिटेल जो है एयरफोर्स ने भी दी है। तो 300 से 350 लोग आतंकी मारे गए, इसको हम दूसरे नाम पे सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 बोलते हैं, ठीक है, एयर स्ट्राइक भी बहुत लोगों ने इसमें कहा। तो फाइनली ये
जो हमारे यहाँ पे आतंकी कार्रवाई थी उसका जवाब था। अब क्या होता है सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक स्टम्प्स का मतलब क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है एग्जाम पे स्टम्प्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ना कि कितने बजे हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ यूपीएससी में। बाकी छोटे एग्जामों में तो ये भी पूछा जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई होती है जिसका उद्देश्य होता है एक निश्चित लक्ष्य पर हमला करना। पहले से ही सुनियोजित होता है, टारगेट फिक्स होता है, और उसमें कहीं ना कहीं पे ये समझ लीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं होता है, बल्कि उस देश के अराजक तत्वों को खत्म करना होता है जो किसी देश की राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला कर रहे होते हैं। बस इतना दिमाग पे बैठिए। सर्जिकल स्ट्राइक एक तरीके से शल्य चिकित्सा से जुड़ा हुआ है शब्द है। तो प्रॉपरली एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई होती है जिसका उद्देश्य एक निश्चित लक्ष्य पर हमला करके उसे नेस्तनाबूद करना होता है। वायुसेना की पश्चिमी कमान, ये भी याद रखिएगा, इस कार्रवाई को अंजाम किसने दिया? वायुसेना की पश्चिमी कमान ने दिया, ठीक है। चलिए, और बी एस धनोआ साहब जो है हमारे एयर चीफ मार्शल रहे हैं उस दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला मुद्दा है श्री राम जन्म कृष्ण भूमि या श्री राम जन्मभूमि का, ठीक है। ये मुद्दा काफ़ी समय से विवादित रहा, सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक डिसीजन पे आया कि ऐसा करते हैं मध्यस्थता पैनल गठित कर देते हैं और इस पैनल को जिम्मेदारी दे देते हैं कि आपस में मामला सुलट जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। चूंकि दो महत्वपूर्ण भारत के दो बड़े धार्मिक संप्रदायों के बीच का मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटर नहीं करना चाहता इस मुद्दे पे, वो चाहता है कि आपसी बातचीत से ही बात सुलझ जाए तो ठीक है। तो एक पैनल गठित किया गया है, 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता हेतु तीन सदस्यीय पैनल गठित किया, ठीक है। इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष हैं जस्टिस एफ एम इब्राहिम तो याद रहेगा सबको, है ना। तो जस्टिस एफ एम इब्राहिम है और दूसरे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर, ठीक है। तो श्री श्री रविशंकर जी हैं और सीनियर वकील पंचू साहब हैं। तीन लोग हैं, रविशंकर जी हैं, पंचू साहब हैं और एफ एम साहब हैं। ये तीन लोगों का पैनल है और आप लोग जानते होंगे 8 हफ्ते में इसको पैनल को रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी है। अभी वार्तालाप हुआ था, पहला मीटिंग हो चुका है इनका। और एक पर्सन था बाबर, नाम सुना होगा, 1526 में पानीपत हुआ और कहते हैं 1530 में उसके सेनापति मीर बाकी ने एक इमारत को अयोध्या में गिराया जो राम जन्मभूमि ही थी, जो आज तक विभाजित ढांचे के रूप में खड़ा है, ठीक है। अब आगे इसके बारे में सब जानते हो, बहुत कहानियां सीरीज सुन रखी है आपने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, इसमें पैनल जरूर याद रखिएगा, लोग पूछे जाएंगे, कोई एक मिसिंग होगा या कोई एक गलत दे दिया जाएगा, जांचने के लिए आपके रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका पॉइंट है सिंधु नदी जल समझौता। लगातार बार बार यही बात आती है कि सिंधु नदी जल का पानी रोक देंगे, इस बार नहीं रोका, कुछ किया गया, क्या था? और इस पे अफवाह भी फैलाई गई कि पानी रोक दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल है क्या, सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 6 नदियां निकल के आई है ना। तीन नदियों में जब 1960 में नेहरू के काल पे ये समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, चूंकि जल एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु किसी भी राष्ट्र के लिए होती है, राष्ट्र क्या ह्यूमन बीइंग के लिए होती है, हम रहेंगे नहीं जल नहीं होगा, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी जल नहीं होगा, है ना, देश में सूखा पड़ जाएगा, तो किसी भी देश को एक सुव्यवस्थित और सुनिश्चित मात्रा में जल की उपलब्धता हो सके, भारत और पाकिस्तान में इस विषय को लेकर के सिंधु नदी जल समझौता हुआ। चूंकि भारत से ही सभी नदियां पाकिस्तान में जाती थी, उस समझौते के तहत यह हुआ कि जो 6 नदियां हैं उनमें से 3-3 नदियां बांट लीजिए, पश्चिम की 3 नदियां जो हैं वो पाकिस्तान के पास और पूरब की 3 नदियां भारत के पास। एक रेशियो क्रिएट किया गया 80-20 का, है ना, पश्चिम की 3 नदियों के 80% जल को पाकिस्तान प्रयोग करेगा और पूरब की 3 नदियां जो हैं रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% भारत पानी प्रयोग करेगा और 20% पाकिस्तान को देगा। लेकिन हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि हम अपने हिस्से का 80% पानी भी छोड़ दे रहे थे, सिर्फ 9-10% ही हम यूज कर रहे थे। तो फाइनली जब ये पुलवामा अटैक हुआ तो नितिन गडकरी साहब ने 21 फरवरी 2019 को क्या किया, भारत पाक सिंधु जल नदी संधि के तहत भारत के हिस्से के पानी को पाकिस्तान में रोकने के लिए बांध निर्माण के कार्य हेतु समझौता ज्ञापन दे दिया, ठीक है। इसके लिए कुछ 3 बांध बनाए जाने है, रावी में एक बांध बनेगा, एक ब्यास में, एक सतलुज में, और इस प्रक्रिया के तहत साहेपुर कांडी बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है।
तो सिंधु नदी जल समझौता के तहत ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा पानी उनका पूरा समझौता ही कोलैप्स कर रहे हैं, हम अपने हिस्से का पानी उनके पास नहीं जाने देंगे जो हम अभी जाने देते हैं, ठीक है, सिर्फ ये बात है और कुछ नहीं है। तो सिंधु नदी जल समझौता कुछ है नहीं, बड़ा आसान है, सब जानते होंगे आप लोग, है ना, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। पश्चिम और पूरब की पश्चिम नदियों को, तीन तीन नदियों को बांट दिया गया है, सिंधु झेलम चिनाब, पाकिस्तान 80% पानी यूज करे, भारत 20%, और राबी ब्यास सतलज का 80% भारत यूज करे, 20% पाकिस्तान करे, बस इतना सही है सिंधु नदी जल समझौता। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, ये अभी भारतीय विज्ञान कांग्रेस हर साल होती है और उद्देश्य इसका है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिरुचि भारतीयों के ऊपर बढ़ाई जाए और विज्ञान में नए नए इनोवेशंस किए जाए ताकि भारत में भारत को वैज्ञानिक तर्ज पर सक्षम बनाया जा सके। तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, विज्ञान के बहुत सारे जानकार यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। हाँ, तो ये याद रखिएगा, 3 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने पंजाब राज्य के, इस बार पंजाब का एक विश्वविद्यालय लिया गया है, इस विश्वविद्यालय का नाम है लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इसका थीम है भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसकी अध्यक्षता मनोज चक्रवर्ती ने की। इतनी चीजें आमतौर पूछी जाती हैं, या तो थीम पूछ लेगा, है ना, या तो आपका थीम से क्वेश्चन आएगा, यदि थीम से क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये पूछ लेगा कि कौन से नंबर की है, इंटू पिंटू एग्जामों में पूछता है ये काम। और डॉक्टर मनोज चक्रवर्ती ने अध्यक्षता की, ये भी पूछ लेगा, विद्यालय का नाम भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगली बात, चुनाव, चुनाव थे, चुनाव की डेट खत्म हो चुकी है इसी के बाद, इसीलिए मैं मास्टर वीडियो लाया हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि आप प्रचार कर रहा हूँ किसी पार्टी का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव की प्रक्रिया बड़ी अपारदर्शी है, फंडिंग बड़ी अपारदर्शी है, खूब झोला भर भर के पैसा जो है चुनाव में प्रयोग किया जाता रहा। किस नाम पे? सिर्फ इस नाम पे कि ये पार्टी को क्या मिला है, चंदा मिला है। इस चंदे पर रोकथाम लगाने के लिए काफी समय से कार्य किया जा रहा था और उस प्रक्रिया के तहत चुनावी बॉन्ड जैसी एक नई स्कीम निकल के आई, ठीक है। चुनावी बॉन्ड ये क्या है, इसको लेकर के मुद्दा भी हालिया समय, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी पार्टियां निर्वाचन आयोग को अपने चुनावी बॉन्ड उनको कितने मिले हैं, कितना पैसा मिला है, उस सबकी जानकारी दे दें। तो अब चुनावी बॉन्ड जान लेते हैं, चूंकि चुनाव का टाइम है तो पक्का आएगा इससे एक क्वेश्चन। चुनावी फंडिंग को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य से चुनावी बॉन्ड जारी किए गए। चुनावी बॉन्ड सिर्फ एक एक ही बैंक में मिलता है, कौन सा बैंक? SBI में, ठीक है। SBI से यदि मुझको किसी पार्टी को चंदा देना हो तो मैं जाऊंगा SBI और वहां से चुनावी बॉन्ड लेकर के उस पार्टी तक मैं पहुंचा सकता हूं और उस पार्टी को 15 दिन के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, भुनाना पड़ेगा, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगा, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जाके शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 15 दिन की अवधि भी उसकी रखी गई है। तो चुनावी फंडिंग को साफ सुथरा बनाने और पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड स्कीम है। यह एक वचन पत्र है, वचन पत्र है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, प्रॉमिस लेटर है, ठीक है। ये एक वचन पत्र है जिस पर बैंकों द्वारा किसी भी तरीके का ब्याज नहीं दिया जाता है। SBI की शाखाओं में खरीदे जा सकते हैं, आप 1,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप ये खरीदने जाएंगे तो आपकी, यदि आप बड़ा पैसा खरीदेंगे, आप 1 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, बैंक आपसे आपकी पूरी डिटेल लेगा, आपसे पूछेगा कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, है ना। तो आप 1,000 से लेकर के 1 करोड़ तक का चुनावी बॉन्ड ले सकते हैं और राजनीतिक दलों को, ठीक है, राजनीतिक दल 15 दिन के अंदर जो है, अब इनको सभी राजनीतिक दलों को दिया जा सकता है या कुछ को दिया जा सकता है, इतना भी सेंटेंस एक बना देगा वो, आप उसी राजनीतिक दल को दिए दे सकते हैं जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत पंजीकृत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जो पंजीकृत है उसी को दिया जा सकता है और 15 दिन के अंदर वो भुनवा लेगा तो उसको पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है। अगला है खेलो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, एक बड़ी थीम, युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़े, है ना। इसकी थीम थी बस 5 मिनट और, होता था ना क्रिकेट में, है ना, घर वाले कहते थे बेटा खाना खाने जा रहे, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, वो 5 मिनट वाला वही थीम इसमें बनाया गया है। तो जनवरी 2019 को पुणे में सुस्वागतम संदेश के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम संपन्न हुआ। वर्ष 2019 के लिए इस दिवस की थीम थी बस 5 मिनट और ये जो प्रोग्राम है ये 3 प्रोग्रामों को मिलाकर बनाया गया।
राजीव गांधी खेल योजना, प्रतिभा खेल योजना, खेल संरचना योजना, इन सभी को तीनों को मिलाकर एक बना दिया गया, खेलो इंडिया प्रोग्राम, रिनेम कर दिया गया इसे, ठीक है। वर्ष 2017 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य है इसका भारत में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करना। तो 17, 18, 19 तीसरा इसका जो है इस बार था, ठीक है। अगला, आप लोगों ने भीम ऐप जरूर यूज किया होगा, है ना। किस पद्धति पे चलता है, यूपीआई सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई बोलते हैं इसे, इसने आरबीआई के साथ संयुक्त तत्वावधान में मिलकर यूनिफाइड इंटरफेस, इसी को बोलते हैं यूपीआई, यूनिफाइड इंटरफेस 2.0 एक नया वर्जन लॉन्च किया था, ठीक है। और इस वर्जन के तहत क्या है, इसका शुभारंभ हुआ 16 अगस्त 2018 को। यूपीआई एक मोबाइल यूपीआई है क्या, यूपीआई क्या है, एक मोबाइल भुगतान प्रणाली है आपका। देखो एक चीज और बता दूं, भीम ऐप उसी मोबाइल पे काम करेगा, आप सभी के कुछ मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है ना, जिसमें एसएमएस आता है, सब कुछ करता है। यदि आप उस मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल में डाले हुए हैं और भीम ऐप को कर रहे हैं, तभी वो काम करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। आप सिम निकाल लेंगे और एप्लीकेशन आपका पड़ा है तो काम नहीं करेगा वो, है ना। तो ये क्या है, एक ऐसी मोबाइल भुगतान प्रणाली है जो ग्राहक के बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ संचालित होता है। जब तक मोबाइल नंबर उस सिम में मोबाइल में पड़ा है तब तक संचालित होगा, जैसे निकाल लेंगे नहीं संचालित होगा। तो बहुत सेफ है ये, सिक्योर्ड है। इसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा IMPS, करते हैं ना आप इमीडिएट तुरंत पैसा किसी को भेजना हो, 3-4 तरीके पैसे भेजने के, NEFT, है ना, RTGS, IMPS, है ना। तो ये IMPS का अपग्रेडेड वर्जन है UPI, कहते हैं ना UPI कर दो। अब पेटीएम भी UPI में आ गया है, फोन पे UPI में आ गया है, भीम UPI में आ गया है, बहुत सारे UPI वर्जन आ चुके हैं, गूगल पे आ चुका है ना। तो IMPS का ये क्या है, IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस का उन्नत संस्करण है। UPI 2.0 में ट्रांजेक्शन राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है, इसके लिमिट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, और 11 बैंक इससे एसोसिएटेड है UPI से, ठीक है। सभी बैंक नहीं मिलेंगे आपको, कुछ ही बैंक है, आप लिस्ट देख सकते हैं UPI में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। भारत का विभाजन हुआ और 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ। इस विभाजन और युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग भारत छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने, जब भारत चीन युद्ध हो रहा था तो कुछ लोगों ने चीन की नागरिकता ले ली, तो उनकी संपत्ति यहां पर रह गई, जिसे शत्रु संपत्ति कहते हैं। शत्रु संपत्ति का मतलब क्या है, ऐसी संपत्ति जो भारत और पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण किए हुए लोगों की है ना। उस संपत्ति को अभी तक हम यूज में नहीं ला सकते थे, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 मार्च 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि शत्रु संपत्ति को सार्वजनिक इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। शत्रु संपत्ति, मैंने आपको बताया कि शत्रु संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो देश के बंटवारे के बाद, पाकिस्तान या फिर 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन की नागरिकता ग्रहण करने वाले लोगों द्वारा भारत में छोड़ कर चले गए हैं या छोड़ी गई हैं, वो संपत्तियां शत्रु संपत्तियां कहते हैं, ठीक है। तो शत्रु संपत्ति पहले प्रयोग नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब सार्वजनिक तौर पर इनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जनजातियां, एक दो जनजातियां नहीं है, बहुत सारी जनजातियां। नागालैंड वाले में नागा जनजाति है, नागा के अंदर ही 16 उप जनजातियां हैं, कुकी है, कोल है, बहुत सारी छोटी छोटी जनजातियां हैं। वैसे ही एक जनजाति है मिजोरम की जनजाति है, इसका नाम है रीग जनजाति। क्या नाम है, रीग जनजाति। रीग जनजाति की एक उप जनजाति जिसका नाम है ब्रू समुदाय। ब्रू समुदाय के लोगों के बीच में मिजोरम में अंतर सामुदायिक हिंसा हो गई, और जब अंतर सामुदायिक हिंसा हुई तो ये लोग जो है मिजोरम वाले क्षेत्र को, ये लोग मिजोरम वाले क्षेत्र को छोड़कर त्रिपुरा में शिफ्ट हो गए, ठीक है। लेकिन अभी भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार के बीच में आपस में बैठ करके एक समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रू समुदाय के लोगों को त्रिपुरा से मिजोरम वापस भेजा जाएगा। 32,876 लोगों को भेजा जाएगा, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाएगा, उनको निवास दिया जाएगा, उनको प्रॉपर वो सारी चीज़ें दी जाएंगी जो उनको एक स्थानीय क्षेत्र में मिलती हैं, ठीक है। तो अंतर समुदाय हिंसा के कारण ब्रू समुदाय जो मिजोरम से त्रिपुरा विस्थापित हो चुका था, उसको फिर से मिजोरम
मिजोरम में ही शिफ्ट करने के लिए भारत सरकार। तो इसमें ब्रू समुदाय या रीक जनजाति कुछ ऐसा आ सकता है कि कहाँ की है, किस जगह की है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखो करंट में आप पता नहीं लगा सकते, बहुत इजीली आइडिया वैसे लगाया जा सकता है, इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक करंट से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जितनी चीजें निकल के आ जाए उससे, है ना। यदि जनजातीय कुछ भी निकल रहा है तो आप बहुत प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा वीवीपैट, है ना। अभी आप लोग गए होंगे, मतदान का प्रयोग किया होगा, तो मतदान के प्रयोग करने में जब आपने बटन दबाई होगी तो बगल में आप देखे होंगे कि स्क्रीन टाइप में छोटी सी लगी होगी जिसमें आपके कैंडिडेट का कोड नंबर, जो कोड नंबर और उसका चुनाव चिन्ह दोनों डिस्प्ले हुआ होगा, है ना, यदि आपने देखा हो। और उसके बाद ही आवाज आती है ईवीएम में, है ना, और उसे क्लियर हो जाता है कि यहाँ आपका एक बीप होती है, इससे क्लियर होता है कि आपका वोट पड़ गया। और अब आप स्क्रीन में देख लीजिए कि आपका सही वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो क्या हुआ, 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव लोकसभा चुनाव है, अभी तक क्या होता था कि जो लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा क्षेत्र होते थे उनमें कहीं एक जगह पे वीवीपैट लगा होता था, एक बूथ में लगा हुआ है, तो कभी बीच बीच में क्या होता था, औचक निरीक्षण किया जाता था उन बूथों में। और औचक निरीक्षण करके, जैसे होता ना एग्जाम के टाइम पे उड़न दस्ता आता है, वैसे यहाँ पर भी सिस्टम रखा गया है ताकि कोई धांधली ना की जा सके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को 5 गुना बढ़ा दिया है। दरअसल क्या हुआ, अभी ये लोग सब पीछे पड़ गए थे, जितने भी राजनीतिक दल हैं, कह रहे हैं नहीं भाई हम मशीन में बटन नहीं दबाएंगे, उसमें मेहनत लगती है, हम ठप्पा मारेंगे, फिर से वैलेट कार्ड पे चले जाएंगे, फिर से वापस वही पद्धति चलेगी, कागज लाइए, स्टैंप लाइए, ठप्पा मारेंगे वैलेट कार्ड से हम लोग, है ना। तो उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास मुद्दा गया, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने समझाया कि इनको समझाओ, ये नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो ओवरऑल फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको 5 गुना कर दीजिए, इतनी क्षमता भी है हमारे पास। तो विधानसभा क्षेत्रों में बूथों की संख्या 5 कर दी गई, एक बूथ से बढ़ा के 5 कर दी गई। वीवीपैट पर्चियों को औचक जाँच के निर्देश दे दिए गए। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ध्यान रखिएगा ये भी पूछ सकता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा था हमारे गाजियाबाद में भी, खूब सुना होगा आपने, खूब देखा होगा, खूब बढ़िया से स्वच्छता सर्वेक्षण चला। गाजियाबाद वाले लोग तो यही कहते हैं कि हम ही नंबर बनाए हैं, जो कि गलत है। स्वच्छ सर्वे कौन से नंबर में थे, हाँ, तो मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार, ठीक है, 2017 से लगातार ये स्वच्छ सर्वेक्षण चालू किया गया, 2016 से, 2016 में मैसूर नंबर वन पे आया था कर्नाटक में, लेकिन जब मैसूर नंबर पे वन में आया तो इंदौर इगो में आ गया और लगातार वो टॉप कर रहा है। मध्य प्रदेश का इंदौर वर्ष 2017 से लगातार तीसरी बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। नंबर एक में आपका है इंदौर, ठीक है। नंबर दो में कौन है, नंबर दो में अंबिकापुर है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में एक जगह है अंबिकापुर, और नंबर तीन में मैसूर चला गया, ठीक है। तो अभी भी टॉप थ्री में मैसूर है कर्नाटका का, ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश वाले प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, अगला है, इंडिया गेट में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। दरअसल 1965 का युद्ध हुआ था और 2015 में उसके 50 साल पूरे हुए थे, ठीक है, और जब 2015 में उसके 50 साल पूरे हुए तो सेना ने बकायदा एक प्रदर्शनी लगाई थी, और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद अमेरिका के बहुत सारे पेटेंट टैंक्स वगैरह भारतीय सेना पकड़ के लाई थी, सब रखे गए थे एक साथ, और बहुत सारी युद्ध सामग्रियां रखी गई थी, दिखाया गया था कि भारत कितना सशक्त हो चुका है, उसकी आम जनता तक बात पहुंच सके। तो उसी समय पे मोदी जी ने, या राष्ट्रपति कोविंद, राष्ट्रपति प्रणव साहब थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। तो इंडिया गेट के सामने ही एक पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अभी बना है, आप लोग जा सकते हैं घूमने, ठीक है। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, बस इतना ही जान रखना है। अगला है निर्वाचन आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सारे देखते हैं निर्वाचन आयोग जैसे चुनाव का टाइम आता है पावरफुल बन जाता है, एक अर्ध न्यायिक निकाय की तरह काम करने लगता है, लोग शिकायतें लेके जाने लगते हैं, लोग चाहते हैं कि वो उन शिकायतों का निवारण भी करे, और बार बार आप सुनते होंगे कि निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन भेजा, चूंकि ये क्या है, एक स्वायत्त संगठन है, और जैसे ही चुनाव होते हैं आचार संहिता लगती है, आचार संहिता के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं निर्वाचन आयोग के अंडर में काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। भारत में चुनावों को
सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है। भारतीय संविधान के भाग 15 में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 ए तक निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो 25 जनवरी 2019 को भारत के निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर लिए। 70 वर्ष हो गए इसके, ठीक है। याद सिर्फ तीन चीजें रखिएगा, पहली बात भाग 15 में, दूसरी बात अनुच्छेद 324 से 229 तक। ये एक स्वायत्त अर्धन्यायिक संस्थान है, पहली बात ये। और 1 अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय हो गया, पहले 1 सदस्यीय था, अब 3 सदस्यीय है। 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 निर्वाचन आयुक्त है। इस समय कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बताइए? अरे अशोक अरोड़ा नहीं है, सुशील अरोड़ा साहब इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी अरोड़ा हो उसको रख देंगे आप। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल सचिवालय। दरअसल अभी तक क्या हो रहा था, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय था, ठीक है। इसके अंतर्गत ही एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट का नाम है पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग। इस विभाग से मत्स्य पालक विभाग को अलग कर दिया गया, ठीक है। पशुपालन डेयरी विभाग, देखो एक मंत्रालय होता है, मंत्रालय के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट नहीं होता, कई डिपार्टमेंट होते हैं। होम मिनिस्ट्री है, 50 डिपार्टमेंट देखती है ना, वो आपके इंटरनल सिक्योरिटी का भी देखती हो, आपके जम्मू कश्मीर वाले मामलों का भी देखती हो, आपके सीमा प्रबंधन को भी देखती है, वो देश के अंदर के आंतरिक सुरक्षा को भी देखती है। तो होम मिनिस्ट्री कई चीजों को देखती है, वैसे ही किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन डेयरी मत्स्य विभाग को अलग करके मत्स्य पालन विभाग बना दिया गया है। क्यों बनाया होगा सब जानते हैं। अब इस क्षेत्र में, मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत चाहता है कि कुछ अच्छे तरीके से फंडिंग हो सके, कुछ इसका डेवलपमेंट हो सके, इस पर काम मिल सके, रोजगार मिल सके और ये अच्छे से ग्रोथ कर सके, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुना ही होगा आप लोगों ने। एक पर्सन था जिसका क्या नाम था, है ना, एक पर्सन था और वो अमेरिका से था, और जब वो टहलने घूमने गया तो वहां पर उसको मार दिया गया, सेंटलीज जनजाति ने मार दिया। दरअसल क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दो द्वीप समूह नहीं है, 250 के आसपास द्वीप समूह है। उसमें बहुत सारे द्वीप समूह को प्रतिबंधित कर रखा गया है। आप जाएंगे बहुत सारे द्वीप समूह नहीं जा सकते, उसके बहुत सारे द्वीपों में नहीं जाएंगे। आप पोर्ट ब्लेयर चले जाएंगे, आस पार इंटू पिंटू बहुत सारे हैं उनमें जा सकते हैं, लेकिन सब में नहीं जा सकते। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं वहाँ पे आपकी जारवा जनजाति रहती है, सैम्पियन जनजाति रहती है, सेंटलीज रहते हैं, ओंग रहते हैं, बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं। तो उन जनजातियों का मौलिक कल्चर ख़त्म ना हो जाए, मौलिकता मौलिक संस्कृति ख़त्म ना हो जाए, उसके कारण से उन द्वीपों को क्या कर रखा है, संरक्षित दे रखा है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप के 29 द्वीपों का प्रतिबंध क्षेत्र हटा दिया गया है, उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। अब कहाँ तक सही होगा पता नहीं, ये बाद में सरकार जो है बाद ही में समझती है। और यहाँ पे जो जनजातियाँ, द ग्रेट अंडमीज, ये याद रखिएगा, अंडमान में जो प्रमुख जनजातियाँ, क्योंकि लगातार कोई ना कोई जनजाति जरूर पूछी जाती है, द ग्रेट अंडमीज, ओंग जनजाति, जारवा जनजाति, सेंटलीज जनजाति, सैम्पियन जनजाति, ठीक है। और अमेरिकी यात्री जॉन एलन चाऊ आया था, है ना, खूब सारे सामान लेके गया, सेंटलीज जनजाति, सोचा कि इनको ये खेलेंगे मैं देखूंगा, है ना, और ना उन्होंने खेला ना देखने दिया, मार दिया उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट ब्लेयर गए थे, क्यों गए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक तिरंगा फहराया गया था और उस तिरंगा के फहराए जाने के 75 वर्ष पूरे हो चुके थे, ठीक है, जब आजाद हिंद फौज बनी थी, तो उसी उपलक्ष्य में गए थे और अंडमान द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम ही बदल दिया। बताया ना, हर जगह पेंट लेके चलते हैं। तो एक नाम, पहले नाम रख दिया रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नाम चेंज करके सुभाष जी के नाम पे रख दिया, बहुत अच्छी बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रॉस द्वीप का नाम हो गया। दूसरा है नील द्वीप, इसका नाम रख दिया शहीद द्वीप, ठीक है, नाम अच्छे रखे हैं। हेवलाक द्वीप, इसका नाम रख दिया स्वराज द्वीप, द्वीप के नाम चेंज हो चुके हैं। अपना जो मैंने ज्योग्राफी वाले सेक्शन में कुछ द्वीप ये लिखवाए थे, नाम बदल लीजिएगा, रॉस द्वीप नेताचंद सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, हेबलाक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, कोई भरोसा नहीं है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, अभी तक क्या हुआ था, जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना तेलंगाना, और ये भी कहा गया कि जब ये दोनों राज्य
अस्तित्व में साथ में रहेंगे तो इनका हाईकोर्ट एक रखा जाएगा हैदराबाद 10 साल तक के लिए, लेकिन आंध्र प्रदेश की नहीं बनी, आंध्र प्रदेश की नहीं क्या बनी, तेलंगाना की भी नहीं बनी, दोनों ने अलग अलग हाईकोर्ट कर लिया। तो अभी एक नया हाईकोर्ट बना है, हाईकोर्ट की संख्या 25 हो चुकी है इंडिया में। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों ने अपना अलग अलग हाईकोर्ट मिल गया है। यहाँ के राज्यपाल हैं, इनका नाम है ESL नरसिम्हन। अब ESL नरसिम्हन साहब दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं, भी ध्यान रखना है, संयुक्त राज्यपाल हैं, अलग अलग राज्यपाल नहीं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी यही हैं और तेलंगाना के अभी राज्यपाल यही हैं, बाद में अलग अलग कर देगी भारत सरकार। ऐसा हो सकता है कि एक राज्यपाल दो राज्यों का प्रभार ले सकता है, ठीक है। तो ESL नरसिम्हन साहब ने जस्टिस TB राधाकृष्णन को तेलंगाना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलवा दी, ठीक है। तो पहले मुख्य न्यायाधीश ये तेलंगाना हाईकोर्ट के बने, जस्टिस TB राधाकृष्णन, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, करतारपुर कॉरिडोर, नाम सुना होगा। गुरु नानक देव जो हैं करतारपुर में, करतारपुर साहिब है ना, और कहते हैं इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की, लेकिन कहते हैं रावी नदी में एक बार बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के कारण से करतारपुर साहिब ध्वस्त हो गया था, खत्म हो गया था। फिर महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है करतारपुर साहिब को फिर से डेवलप किया गया। और चूंकि ये बहुत पवित्र स्थल है, क्योंकि गुरु नानक साहब ने अपने पवित्र 18 साल यहाँ पर बिताए हैं, तो सिखों को, अब इसमें कई चीज़ें देख सकते हो आप इसको अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख सकते हो, धार्मिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ सकते हो, दो देशों के बीच में जुड़ाव के परिप्रेक्ष्य से देख सकते हो। तो करतारपुर कॉरिडोर को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 26 नवंबर 2018 को बहुआयामी परियोजना के रूप में इसकी आधारशिला रखी गई, और ये गुरु नानक देव जी की जयंती थी, 550वीं जयंती थी इनकी, उन्हीं के उपलक्ष्य में हुआ। और ये जो बना है गुरदासपुर है, जो गुरदासपुर में आपका डेरा बाबा नानक से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक एक कॉरिडोर बनाया गया, जिसे करतारपुर कॉरिडोर कहते हैं, जो कि लगभग 4 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। तो एक कॉरिडोर है जहाँ पर ये जा सकेंगे अब सभी लोग, और इससे जो है इसमें आसानी से वीजा मिल सकेगा, है ना, और सुरक्षात्मक सारे प्रावधान किए गए हैं। अभी भी लगातार इसमें बहुत सारी भी बैठकें भी हो रही हैं। भारत सरकार पहले इस विषय पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जैसे अमरनाथ की यात्रा एक बड़ा जटिल विषय बना हुआ है, जाने के लिए दुनिया भर की फौज लगानी पड़ती है, तब भी आतंकवादी हमले होते हैं, कहीं यहाँ पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के प्रॉब्लम ना हो जाए और देश के नागरिक खतरे में ना पड़ जाएं। लेकिन पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा है, एक बड़ी बात है, और उसके कारण से ये संभव हो पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है आपका 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में सुषमा स्वराज जी गई मॉरिशस, और मॉरिशस में पोर्ट लुइस में महात्मा गांधी संस्थान में पाड़नी भाषा प्रयोगशाला का शुरुआत किया है, जिसका उद्देश्य है कि हिंदी भाषा का विश्व में प्रचार प्रसार हो सके और विश्व के लोग जो है हिंदी को समझ सकें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मॉरिशस इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, मॉरिशस में हुआ, और मॉरिशस में ही एक संस्था बनाई गई, इसका नाम था पाड़नी भाषा प्रयोगशाला, जो कि गांधी महात्मा गांधी संस्थान में बनाया गया, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, CBSE बहुत सारे एग्जाम लेता है, ठीक है। अब वो एग्ज़ाम CBSE क्यों ले, या फिर भारत की बड़ी बड़ी जितनी यूनिवर्सिटियाँ सब में इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, और उन एग्ज़ामों को अभी तक खुद वो यूनिवर्सिटियाँ लेती थी। DU का एग्ज़ाम DU लेता था, JNU का एग्ज़ाम JNU लेता था, VHU का VHU लेता था, अब सब बंद। क्यों बंद, क्योंकि अब एक नई संस्था बना दी गई है। 10 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाओं आयोजित करने हेतु भारतीय सोसाइटी में एक पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में एक स्वायत्त संस्था बनाया है, जिस स्वायत्त संस्था का नाम है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ठीक है। इसको मंजूरी बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य है छात्रों की योग्यता, बुद्धिमत्ता तथा समस्या निवारण क्षमता का आकलन करना और उन परीक्षाओं को संचालित करना जो CBSE द्वारा संचालित की जाती हैं। दिमाग में कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा हो तो दोबारा इसको सुनिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया राष्ट्रीय से जुड़े हुए कुछ बातें, अभी बहुत सारी बाकी हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय में, कुछ अंतर्राष्ट्रीय में, चाइना, चीन के दमान थे क्या थे पता नहीं, लेकिन मजहूद साहब से कुछ अलग ही प्यार था उन्हें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया, चाइना अभी तक इसके पीछे पड़ा था,
नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, क्या रिश्ते थे हमें नहीं पता। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। ये वही आदमी है जो कंधार कांड हुआ था 1999 में, इसी को छोड़ा गया था, ठीक है। फिर इसने बहुत सारे कांड किए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हमला इसी ने करवाया, इसी ने 2000 में जैसे मोहम्मद संगठन बनाया, इसी ने भारतीय संसद पे हमला करवाया, यहां तक नहीं रुका, इसने पठानकोट उरी अटैक, फिर पुलवामा अटैक, ऐसे बड़े बड़े कांड किए इसने, भारत के पीछे पड़ा रहा। तो इसको वैश्विक आतंकवादी फाइनली। अब वैश्विक आतंकवादी से हो क्या जाएगा? पहली चीज, विश्व में जहां भी इसकी कोई भी संपत्ति है उसे जब्त कर लिया जाएगा, इसकी सभी यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, और इसे अब वो बाद में बताएंगे, रॉ करेगी काम, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। 1 मई 2019 को ये घटना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस कदम के बाद मसूद अजहर और उसके संगठन की जुड़ी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, यात्रा पर प्रतिबंध लगा जाएगा, कोई भी देश उसे हथियार मुहैया नहीं करा सकता, है ना, अभी तक खूब चल रहा था ये, कोई भी देश उसे हथियार मुहैया नहीं करा पाएगा। 1999 के कंधार अपहरण कांड में यही थे, 2000 में इन्होंने जैसे मोहम्मद की स्थापना की, 2001 में विधानसभा हमला हुआ, 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, 2016 में पठानकोट में हमला किया, 2016 में उरी हमला हुआ, और फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक इन्हीं महाशय की देन थी, और बड़ी बेसब्री के साथ सब ढूंढ रहे हैं इनको। नेक्स्ट, अगला गोलन हाइट्स, ये नाम सुना होगा कई बार यूपीएससी में, जगह बहुत, ये सीरिया में एक जगह है, सीरिया में एक पहाड़ी वाला क्षेत्र है, और इसराइल ने अभी इस हिस्से पे बहुत समय से 1967 में, मैंने आपको विश्व इतिहास में पढ़ाया है ना कि फिलिस्तीन समस्या है क्या, मैंने आपको तीन चार चीजें बताई थी फिलिस्तीन समस्या, अरब, पहले अरब राष्ट्रवाद मैंने आपको समझाया था, है ना, अरब राष्ट्रवाद, फिर कुर्ग राष्ट्रवाद, कुर्ग राष्ट्रवाद के बाद यहूदी राष्ट्रवाद, ये तीन राष्ट्रवादों ने मिल करके एक समस्या को जन्म दिया जिसका नाम था फिलिस्तीन समस्या। कई सारे इलाके हैं जिनपे, और मैंने आपको चार इसराइल अरब अरब इसराइल युद्ध भी बताए थे। तो 1967 में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में दक्षिण पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र में गोलान हाइट्स हिस्से में कब्जा कर लिया था इजराइल ने। अब इस गोलान हाइट को उसका संप्रभु क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, इस पे भी काफी विवाद है। तो गोलान हाइट्स आपका मिडिल ईस्ट में है, पहली बात ये, मध्य पूर्व में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में तो डायरेक्टली पूछता है और एग्जामों में भी पूछेगा। गैलिनी समुद्र के किनारे अवस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, गैलिनी समुद्र है वहां पे, ठीक है, और 1967 में सीरिया से हुए युद्ध में कब्जा हो गया। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के भी 100 वर्ष पूरे हो गए समाप्ति के। कब खत्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1918 में, 11 नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, है ना, और खत्म होने के बाद फिर ट्रीटी चालू हो गई, पेरिस में सम्मेलन बुलाया गया जहां पे बहुत सारी संधियां हुई और प्रथम विश्व युद्ध को फाइनली, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के 100 वर्ष पूरे हुए थे, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक जगह है जिसका नाम है आर्किडी ट्रायोफ स्मारक, ये इंपॉर्टेंट है। आर्किडी ट्रायोफ स्मारक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये स्मारक क्या है? ये वो स्मारक है जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उस क्रांति के दौरान बहुत सारे गुमनाम सैनिक, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे जिनके नाम नहीं पता चल पाए, उन सैनिकों की याद में स्मारक बनाया गया आर्किडी ट्रायोफ, और हमारे उपराष्ट्रपति महोदय इसमें सम्मिलित हुए थे, वेंकैया नायडू गए थे इस पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा यदि पूछता है तो जरूर, क्योंकि जिनके भी 100 साल पूरे हुए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला, अमेरिका अपनी मन की करता है, जहां उसकी नहीं चलती वहीं पे वो गड़बड़ा जाता है, नहीं तो छोटे बच्चे की तरह रूठ जाता है, मना ही कर देता है कि मैं हिस्सा ही नहीं रहूंगा। अभी क्या हुआ, यूनेस्को ने एक काम किया, यूनेस्को ने फिलिस्तीन को पहले तो सदस्यता दे दी, यूनेस्को को आप जानते हैं, है ना, भारत की जितने विश्व की जो जी सांस्कृतिक शैक्षणिक और जो भी धरोहरें हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको वो संरक्षण प्रदान करता है। तो फिलिस्तीन को जब उसने अपना सदस्य देश बनाया और बहुत सारे एक विवादित क्षेत्र को उसने धरोहर के रूप में घोषित किया, जिसको लेकर इजराइल गुस्सा हो गया, और जैसे इजराइल गुस्सा होता है अमेरिका पहले गुस्सा होता है, ठीक है। तो इजराइल और अमेरिका ने, दोनों देशों ने, याद रखेगा इस बात, 1 जनवरी 2019 को अमेरिका तथा इजराइल ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को से अलग होने की घोषणा कर दी, ठीक है, और कारण वही है, यूनेस्को द्वारा 2011 में फिलिस्तीन को अपनी सदस्यता दी गई थी, और साथ ही यहूदियों की धरोहर पर फिलिस्तीनी हक होने की पुष्टि की गई थी, जिसके कारण से जो है ये अलग हो चुके हैं अमेरिका, और अमेरिका कई चीज़ों से अलग हो चुका, अपनी मर्जी, है ना, पेरिस से अलग हो गया, पेरिस जलवायु समझौता, उससे कोई लेन देना नहीं है, ठीक है, तो दिक्कतें हैं, कुछ कुछ नहीं कर सकते इनको। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
विश्व की दो अभी वर्तमान समय में, चूंकि देखो जो स्थिर देश हो, यदि स्थिर देश में भी अस्थिरता का वातावरण बनने लग जाए वहां पर भी आतंकवाद जैसी समस्याओं का, तो आतंकवाद का विस्तार हो रहा है। आतंकवादी हमले विश्व के अभी नए नए देशों में हो रहे हैं जहां पहले कभी नहीं हुए थे, चाहे न्यूजीलैंड की बात करें, चाहे श्रीलंका में अभी हुआ आतंकवादी हमला हो, तो दो हमले हुए, बड़े शर्मनाक हमले हुए। पहले हमले में तो एक व्यक्ति था जो ऑस्ट्रेलिया मूल का था, वो लाइव था फेसबुक में, गोलियां चला रहा था और गोलियां चलाते हुए लाइव था और ओके सिंबल बनाया था उसने, जब उसने अपने हमले को समाप्त किया था। ओके सिंबल नस्लीय सिंबल होता है, ठीक है, अमेरिका में एक नस्लीयता को लेकर के सिंबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के सेंट ब्यूरी क्षेत्र में, ये दक्षिणी द्वीप में अवस्थित है। जब आप न्यूजीलैंड में पढ़ाऊंगा विश्व भूगोल में, तो दो द्वीप हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो दक्षिणी द्वीप में सेंट ब्यूरी क्षेत्र है, यहाँ पर एक सबसे बड़ा शहर है क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च की दो मस्जिद हैं, अलनूर और लिनबुद में आतंकी हमला हुआ और इसमें 8 भारतीयों सहित 49 लोग मारे गए। हमलावर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था, इसका नाम था ब्रिटन टैरेंट और इसने ओके सिंबल लिखा था जो नस्लीयता को दिखाता है, ठीक है। अगला जो है अब इसी की पुष्टि है, कयास चल रहे हैं, कोई कह रहा कि ये हमले का जो है यहाँ पे बदला लिया गया एक धर्म का दूसरे धर्म के द्वारा, अब क्या बात है इसको ऐसे लिंक करके लोग जोड़ रहे हैं। 21 अप्रैल 2019 को पवित्र ईस्टर के दिन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, उस दिन तो लग रहा था कि पूरे श्रीलंका में धमाके हो रहे हैं, है ना, हर थोड़ी देर बाद एक सीरियल ब्लास्ट, फिर सीरियल ब्लास्ट, फिर सीरियल ब्लास्ट, ऐसा लग रहा था मुंबई अटैक की पुनरावृत्ति हो रही है किसी दूसरे देश में, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या, 21 अप्रैल 2019 को पवित्र ईस्टर के दिन श्रीलंका में कोलंबो में तीन गिरजाघरों में लगातार 9 आत्मघाती हमले हुए, जिसमें एक महिला हमलावर भी शामिल थी, ठीक है, एक महिला हमलावर भी थी और 9 आत्मघाती हमले शामिल हुए। सिलसिलेदार बम विस्फोटों में 253 लोग मारे गए और 500 लोग घायल हो गए, इसमें 8 भारतीय भी थे, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है एक हमला श्रीलंका में भी हुआ है, डेट याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है हाल फिलहाल में पूछे, बाकी मेंस में इससे बढ़िया क्वेश्चन एक निकल के आएगा, ठीक है, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत बढ़िया यूपीएससी पूछेगा, 110% पूछेगा आतंकवाद से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कतर ओपेक से अलग हो गया, 2-3 कारण थे। पहला तो सऊदी अरेबिया से उसकी बन नहीं रही थी कतर की, सऊदी अरेबिया कह रहा था कि जो ईरान वाले क्षेत्र में है ना जो आतंकवादी संगठन है उसको कतर प्रश्रय दे रहा है, पहला तो आरोप उसके ऊपर ये लगाया जा रहा था। दूसरा कतर कह रहा है कि मैं ओपेक के साथ रहूंगा जब तक, तब तक मुझे तेल ही का उत्पादन करना पड़ेगा, मैं तेल उत्पादन नहीं करना चाहता, अब मैं गैस का उत्पादन करना चाहता हूं, है ना। तो कतर, ये ओपेक एक संगठन है जो पेट्रोलियम बहुल राष्ट्र है, जहां पे पेट्रोलियम है 80% से ज्यादा पेट्रोलियम ओपेक राष्ट्रों के पास है, तो ओपेक से कतर अलग हो चुका है। 3 दिसंबर 2018 को कतर तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से जनवरी 2019 से अलग होने की घोषणा कर दी, ठीक है। दो कारण इसके, राजनीतिक कारण है सऊदी अरेबिया और कतर के संबंधों को जोड़कर देखा जा सकता है, और आर्थिक कारण है कि कतर के अपने खुद के हित है, वो कहता है कि मैं गैस उत्पादन करूंगा, तेल उत्पादन नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है कि क्या कतर ही अभी अलग हुआ या इससे पहले और कोई अलग हुआ, तो नवंबर 2016 में इंडोनेशिया अलग हो गया, पहले इंडोनेशिया अलग हुआ अब कतर अलग हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस समय बहुत मूवमेंट हुए हैं, मीटू कैंपेन है ना, यस्टरडे कैंपेन, एक आपका हैशटैग करके एक नया चला था जिसका नाम था नाउस टाउन टाउस आंदोलन, ये कई आंदोलन चले, एक येलो बेस्ट मूवमेंट भी चला। येलो बेस्ट मूवमेंट ये डीजल पेट्रोल की बढ़ती मांगों को लेकर फ्रांस में चला एक आंदोलन है, ठीक है। फ्रांस में 17 नवंबर 2018 को लोग सड़कों पर उतर आए और उतरने का कारण सिर्फ ये था कि ईंधन के रेट बढ़ रहे थे, ठीक है। तो सरकार के खिलाफ कभी भी पूछा, येलो बेस्ट मूवमेंट ये जुड़ाव रखता है किस चीज़ से, येलो बेस्ट मूवमेंट जुड़ाव रखता है ईंधन की कीमतों की बढ़ती मांगों को लेकर के फ्रांस के लोगों के द्वारा। फ्रांस में क्या होता है, जो ड्राइवर होते हैं उन्हें येलो ड्रेस पहननी होती है ताकि ट्रैफिक में है ना उनके कुछ रूल्स है, तो वो लोग जब सड़कों पर उतर आए तो इसको येलो वेस्ट मूवमेंट कहते हैं। अगला मीटू आंदोलन, ये तो सब जानते होंगे क्या है मीटू, हैशटैग मीटू क्या था। इसके तहत विश्व भर में महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न को सार्वजनिक किया, ठीक है, पहली बात तो ये हुई, और साथ में इसके साथ इसी के साथ जुड़ गया हैशटैग नाउस टाउस आंदोलन। ये
मीटू कैंपेन से प्रभावित एक आंदोलन है। नवंबर 2016 में यूरोप में अलग अलग हिस्सों में हजारों की संख्या में लोग लैंगिक हिंसा के खिलाफ रोड पर उतर आए। लोगों ने कहा कि अब महिलाओं के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं है, और लोगों ने यह भी कहा कि महिलाएं जिन समस्याओं से पीड़ित हैं उन समस्याओं पर उनका कोई हाथ नहीं है, पुरुषों का हाथ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं। लोगों ने कहा कि मृत्युदंड खत्म कीजिए इनके खिलाफ, है ना, और उसमें बोला गया बहुत सारी चीज़ें कि ये रेपिस्ट हैं, ये सेक्स एडिक्टेड हैं, है ना, इन्हें ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो बड़े स्तर की कैंपेनिंगें हुई थी और इसमें सारे लोग आए थे रोड पे। मीटू में क्या है, मीटू में व्यक्तिगत तौर पे महिलाएं निकल के आई थी, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ फंसे, बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड सब फंस गया इसमें, पत्रकार फंसे, है ना। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का यहाँ पे, ठीक है। आगे जय, अब ये जय क्या है, जय ये है चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और चाइना बढ़ा रहा है तभी बढ़ रहा है। तो इससे इसके प्रभाव को काउंटर करने के लिए एक तीन देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया है। देखो आईआर में कोई फिक्स नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। एक वही अमेरिका है जो भारत का दुश्मन था, आज वही अमेरिका सबसे बगल में भारत को बैठाना चाहता है ना, क्योंकि बगल में चाइना आके खड़ा हो गया तो उसे लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है, कल के दिन मान लो हम चाइना से बड़े हो जाएं तो ये चाइना के साथ चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ऐसे ही चलते हैं। तो एक तीन जैसे ब्रिक्स बना था वैसे ये जय निकल के आया, अभी निकल के आया है। G20 सम्मेलन हुआ अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में, वहीं ये तीनों मिले तिगड़ी और पहली बैठक की इन्होंने। कौन है ये, जापान, अमेरिका और भारत, है ना। ये चीन की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मद्देनजर एक ही मंच पर उपस्थित हो गए, है ना। और ये G20 सम्मेलन 2018 जो हुआ था आपका 30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुए, और चीन की जुड़ी हुई जितनी भी चीजें उनको लेकर के इन्होंने एक व्यापक रणनीति पे चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, जापान। जापान एक ऐसा देश है जहां पर मत्स्य उत्पादन से उसे बड़े स्तर का रेवेन्यू मिलता है, लेकिन क्या हुआ, एक संस्था है जिसका नाम है व्हेलिंग कमीशन। व्हेलिंग कमीशन इस दृष्टि पे काम करता है कि व्हेल नहीं मरनी चाहिए, व्हेलों की हत्या कम होनी चाहिए। उसके लिए ये भी था कि आप जो है समुद्र में जाकर के व्हेलों को कम से कम नहीं पकड़ेंगे, है ना। तो उसको लेकर जापान को बहुत घाटा हो रहा था, आर्थिक रूप से प्रॉब्लम हो रही थी, तो जापान ने इस कमीशन से अलग कर लिया अपने आप को। देखो सब अपने हितों से हैं, सब अपना अपना हित देखते हैं। जापान ने इस पे बोला भी कि भाई ये तो बैन करने की बात नहीं थी, मरे नहीं उसके लिए तो उपाय हम करेंगे साथ में बैठ के, लेकिन अब आप कह रहे हो बैन कर दो, आप फिशिंग ही मत करो। तो व्हेलिंग कमीशन ने इसने व्हेल पकड़ने का व्यवसाय कम फिर से शुरू कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कॉमकोसा के बारे में आपने सुना होगा। कॉमकोसा का फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका कुछ देशों के साथ कुछ ऐसे समझौते कर रखा है ना। एक समझौता है कॉमकोसा, इस समझौते के तहत कुछ नाटो देश हैं, अब भारत भी सम्मिलित हो गया है, भारत के साथ भी उसने एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत जब कभी आपात कंडीशन आती हैं तो आपात कंडीशंस में वो फौरी राहत भेजता है भारत या किसी भी देश के लिए जो उसके साथ ये समझौता कर चुका है। तो कॉमकोसा एक कम्युनिकेशन है, मतलब कल के दिन हमें मान लीजिए कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम अमेरिका से उसकी जानकारी ले सकते हैं, उसके सैटेलाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं डिफेंस को लेकर के, यानी कि डिफेंस तकनीकी पे एक नया जुड़ा हुआ है, रसिया से थोड़ा सा निर्भरता कम होगी। तो भारत अमेरिका के मध्य कॉमकोसा समझौता हुआ 6 सितंबर 2018 को, एक 2+2 डायलॉग हुआ। 2+2 डायलॉग आपको बताया गया होगा, है ना, भारत के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री दोनों एक साथ बैठे और बैठ करके 2+2 डायलॉग में इसमें सिग्नेचर हुए। और इसका फुल फॉर्म है आपका कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अमेरिका नाटो समेत कुछ अन्य देशों के साथ ये किया हुआ है, यह अमेरिका की तरफ से उसके सहयोगी देशों के लिए बेहद अत्याधुनिक रक्षा तकनीकी देने और आपातकालीन स्थिति में उन्हें फौरी मदद देने की राह निकालता है, ठीक है। अब भारत को जब जरूरत कभी पड़ेगी अमेरिका भारत के साथ आकर के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बहुत सारे शिखर सम्मेलन हुए, कुछ शिखर सम्मेलन देख लेते हैं। एक शिखर सम्मेलन हुआ ट्रंप और किम जोंग उन का, ठीक है, ये दोनों महापुरुष एक मंच में मिले। पहले सिंगापुर में मिले, अभी हनोई में मिले थे दोनों। सिंगापुर में मिले थे तो कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन हनोई में जाकर सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। ट्रंप और किम शिखर वार्ता हुई जून 2018 को सिंगापुर में, और दूसरी हुई 27 फरवरी 2019 को हनोई में, वियतनाम में,
वियतनाम की राजधानी है हनोई। तो पहले वाले में तो बहुत सारी बातें हुई कि हम कोरियाई प्रायद्वीप से अमेरिकी सेना को वापस करेंगे, किम जोंग उन ने कहा बिल्कुल आप करिए, हम निशस्त्रीकरण भी करेंगे, लेकिन ट्रंप को जानते ही हैं, उसका दिमाग कहाँ से कहाँ चलता है पता नहीं। तो ये वाली जो दूसरी हुई थी इसमें फिर काफ़ी मामला वही हो गया। इसके बाद बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए जितने भी देश हैं उनका एक संगठन है बिम्स्टेक, और दो बिम्स्टेक 2018 काठमांडू में इनका सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स 2018 ये दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में सम्मेलन था। विश्व आर्थिक मंच, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दावोस में प्रधानमंत्री जी का भाषण, ओजस्वी भाषण आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने विश्व आर्थिक मंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, 49वां शिखर सम्मेलन हुआ था इसका जनवरी 2019 में। थीम था इसका ग्लोबलाइजेशन 4.0, है ना, 4.0, और दावोस स्विट्जरलैंड में है, और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे ये सूचकांक जारी करता है, मैं कुछ इसके सूचकांक आपको दिखाऊंगा बताऊंगा अभी आगे जाके। अगला है संघाई सहयोग संगठन, भारत भी का सदस्य बन चुका है संघाई सहयोग संगठन का। तो संघाई सहयोग संगठन इसका 18वां सम्मेलन ये आपका चीन में हुआ था क्विंगदाओ में। G7 का 44वां सम्मेलन हुआ है क्यूबेक सिटी कनाडा में। चोगम के बारे में आप जानते हैं, कॉमनवेल्थ जो देश हैं उनको मिलाकर के एक चोगम बनाया गया है, इसका हुआ है लंदन में। भारत आसियान शिखर सम्मेलन ये हुआ है नई दिल्ली में। भारत आसियान नई दिल्ली में कब हुआ, आए थे ना 26 जनवरी को सारे आसियान के देश के लोग, कब आए थे, किस साल, 2018 में, 26 जनवरी 2018 में 10 के 10 आए थे, यहीं पे मिलके बातचीत हो गई 25 जनवरी को। तो ये कुछ बातें हो गई, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, विधि में चलते हैं, विधि और न्याय, ये आपका राष्ट्रीय मुद्दे का ही एक सेक्शन है जो यहाँ पर मैंने रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राफेल समझौता और उससे जुड़ी हुई फाइलों का मुद्दा बड़ा गहमा गहमी में रहा। सुप्रीम कोर्ट के पास जब भारत सरकार पहुंची उस मुद्दे को लेकर, तो पता चला फाइलें गायब हो गईं। जब फाइलें गायब हो गई तो हम पूछेंगे ही भाई कहाँ गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई। सुप्रीम कोर्ट, पत्रकारों ने एक काम शुरू किया कि फाइल गई कैसे, भारत सरकार को अच्छा नहीं लगा और भारत सरकार ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करना शुरू कर दिया। ये क्या है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आज नहीं बना था, इसको बनाया था अंग्रेजों ने, कब बनाया था 1923 में क्रांतिकारियों की जासूसी करने के लिए एक कानून बना था, ठीक है, जो आज भी जिंदा है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 द्वारा भारत में जो राफेल डील हुई थी, राफेल डील की फाइलें खो गई थी, उसको लेकर के पत्रकारों के जो क्वेश्चंस थे उसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा ये किया गया, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कभी पूछ लेता क्योंकि यूपीएससी है, इतिहास को जोड़कर देख सकता है इस एक्ट को, ठीक है, तो मान सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं जासूसी निरोधक कानून। अगला है आपका 6 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित 125वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। अब ये क्या है संविधान संशोधन विधेयक, 125वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, 125वां संविधान संशोधन विधेयक में जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची, अब आपको छठी नहीं पता होगी क्या है, AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इनमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ के प्रशासनिक क्षेत्र को, ठीक है, वहाँ के स्वायत्त परिषदों को अधिक वित्तीय और कार्यकारी शक्ति दी जा सके, उससे जुड़ा हुआ ये संविधान संशोधन है। नहीं समझ में आया, एक छठवीं अनुसूची, दो अनुसूची है, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, ये जनजातीय क्षेत्र पर प्रशासन को लेकर के बनाई गई हैं, है ना, पांचवी अनुसूची AMTM के अलावा जो राष्ट्रपति के द्वारा बताया जाए कि जनजाति बहुल क्षेत्र है वहां पे प्रशासन से जुड़ी है, और छठवीं अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो उन क्षेत्रों में अधिक उनको वित्तीय स्वायत्तता मिल सके, अधिक उनको पावर मिल सके, उनकी जो ग्राम 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 परिषद है, ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं, उसको लेकर के ये जो है पेश किया गया। अब क्या होगा पता नहीं, टाइम लगेगा इसको पास होने में, देखेंगे। अगला है आपका, अब देखिए मैं आपको कुछ संविधान संशोधन जो हाल में हुए हैं ये जानना जरूरी है। अभी हुआ 103वां संविधान संशोधन, किस चीज के लिए हुआ है बताइए, हाँ ये तो जरूर याद रखेंगे अनिल जी आप, 103वां संविधान संशोधन, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने वाला संवैधानिक प्रावधान है ये, ठीक है,
14 जनवरी 2019 को ये प्रभाव में भी आ गया, यानी कि अब हम आरक्षण ले सकते हैं। लेकिन ऐसे कैसे ले सकते हैं, बात तो सुप्रीम कोर्ट जाए बनेगी नहीं। बात गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहने की हालात में नहीं, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। दरअसल हुआ क्या था, जब मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन केस में एक वाद आया था 1992 में, जिसको इंदिरा साहनी वाद कहते हैं। इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आरक्षण है, आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि कैलकुलेट करिए, अभी आप एससी को 15% मिला है, एसटी को 7.5 मिला है, ओबीसी को 27 मिला है, टोटल जोड़ लीजिए 49.5% बनता है। तो जनरल वालों के लिए 0.5% बचा था, इस सरकार ने कितना दे दिया 10%, टोटल कितना हो गया 59.5%। 50 किलोमीटर क्रॉस कर गई सुप्रीम कोर्ट के इस वाद को, सरकार ने देखा ही नहीं, नज़रअंदाज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट द्वंद में है, तो अब ये मामला संविधान पीठ को भेजा जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये जो है लागू तो हो गया है, लेकिन अभी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है, और संविधान पीठ ये चेक करेगी कि जो ये सीमा है ये बढ़ाई जाए, हम ही बदल लें कि ये बदलने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर ऑर्डिनेंस आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मान लो कुछ कर भी दे, फिर बोल दे कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, मान लो ये इस तरह की बात कुछ कह दे, वो ऑर्डिनेंस ला करके फिर चेंज कर देंगे, क्योंकि संविधान संसद को 42वां संविधान संशोधन याद कीजिए, उसमें साफ लिख दिया इंदिरा गांधी सरकार ने कि संविधान के किसी भी हिस्से में, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का संसद का संपूर्ण अधिकार है, अनुच्छेद 368 का क्लॉज नंबर 4। और यह भी लिख दिया था कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति समाप्त, किसी भी संविधान संशोधन में आप न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं करेंगे। लेकिन मिनर्वा मिल्स वाद जब आया था तब उसको खत्म कर दिया गया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, केशवानंद भारती वाद के तहत मैंने कहा था कि जो संविधान का मूल ढांचा होगा, चूंकि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति संविधान का मूल ढांचा है, इसलिए कभी खत्म नहीं हो सकता। तो अब देखो क्या होगा, देखेंगे। लेकिन हमें तो 10% मिल चुका है ना, अब हम भी हटने नहीं देंगे। अच्छा हुआ किसी और का मत हटाओ, सब में तो कह दो सबको बराबर बराबर दो, सबको 15-15 दो, बराबर बराबर। जब सबको 15-15 दोगे, बचेगा ही लास्ट में 15, लास्ट में 15 बचेगा, 15 में जो होगा होता रहेगा, बात बराबर की होनी चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस पे नहीं चलते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 103वां, समझ में आया 103वें में कहां कहां संशोधन हुआ, अनुच्छेद देख लीजिए। अनुच्छेद है 15(6), 15(6), 15 क्या है, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, मूल स्थान के हिसाब से किसी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, निजी जो क्षेत्र होंगे निजी क्षेत्रों में भी नहीं किया जाएगा, वही 56 में लिख दिया गया है। और 16 ये निजी के लिए है, निजी क्षेत्रों में भेदभाव नहीं होगा। और 16(6) जो किया गया है, सरकारी लोक सेवा में अवसर की समता 16 है, उसी से जोड़ दिया गया है 16। तो ये दो अनुच्छेद नए जोड़े गए हैं, 15(6) और 16(6). तो कल के दिन लक्ष्मीकांत टीएमएच कोई भी लिख दे कि अब भारत के संविधान 1800 हो चुके हैं, तो आप बुला मत मानिएगा, बढ़ाते जा रहे हैं संविधानों की, कोई कह रहा है 465 हो गए, 468 हो गए, ऐसे ही हो रहे हैं, इस तरीके से बढ़ रहे हैं, संख्या में बढ़ रहे हैं, नहीं कि वैसे 15 हैं तो 15 के अलावा 15 ABC ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब किसको किसको मिलेगा ये आरक्षण, पहली चीज आपके पास 8 लाख से कम आपके परिवार की आय होनी चाहिए, वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, पहली बात तो ये। कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, दूसरी बात ये। तीसरी बात ये कि आवासीय घर जो होना चाहिए 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा 990 वर्ग फीट का ही लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आवासीय घर के अलावा, ठीक है। तो ये कुछ क्लॉज दिए गए हैं, इन सब मानकों में जब आप खरा उतरेंगे, अब इसके लिए बकायदा आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तब जाके आप इस आरक्षण का फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। अगला है 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन क्या है, एक आयोग की बात करता है, एक कमीशन बनाने की बात करता है। ये कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का उपबंध करता है, ये पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। कौन सा आयोग बनाया जाएगा, इस आयोग का पहले था, ये पहले मर्ज था ये आयोग, लेकिन अब अलग बना दिया गया, 338B जोड़ा गया। 338B में ओबीसी के लिए यानी पिछड़ा वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, और इसके साथ साथ 342A भी जोड़ा गया, और 342A में सामाजिक और शैक्षणिक दर्ज से ओबीसी की पहचान के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति का उपबंध कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति ये पहचान करेंगे कि ये जो है पिछड़े वर्ग में आएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति पहचान करते हैं एससी कैटेगरी की
एससी कैटेगरी के लोग क्या है राष्ट्रपति बताते हैं, और ऐसे ओबीसी को भी राष्ट्रपति ही बताएंगे। 300 ए में बता दिया गया, समय समय पर बताते रहेंगे ये ओबीसी है, ओबीसी है, ओबीसी है, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन, सब जानते हैं जीएसटी है ना, संसद और राज्य विधानमंडल जीएसटी लगाने की शक्ति दे दी गई है। अनुच्छेद कौन कौन से परिवर्तित हुए, पहला है 246 ए बना है, 269 ए बना है, 270 जुड़ा है और 2279 ए जुड़ा है जीएसटी काउंसिल, ठीक है। ये आपका है 101। और 100वां संविधान संशोधन, भारत बांग्लादेश के बीच में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, भूमि सीमा समझौता हुआ था, जिसके तहत प्रथम अनुसूची में वो जो क्षेत्र था उसको कम ज़्यादा किया गया है, ठीक है। तो इसमें प्रथम अनुसूची में संशोधन है, यहाँ पे सब आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए। आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय वस्तु, मैं इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ, सेरोगेसी, किराए की कोख है ना, आपको बच्चा पैदा नहीं करना तो किसी की कोख किराए पे ले सकते हैं, ये हो गया है कमरे वाली बात। तो किराए की कोख, सेरोगेसी बिल आया और भारत में कमर्शियल सेरोगेसी को बंद कर दिया गया। मैंने सेरोगेसी पे एक क्लास भी ली थी प्रॉपरली है ना। तो सेरोगेसी, ये 19 दिसंबर 2018 को लोकसभा में सेरोगेसी विधेयक 2016 पारित हो गया है। यह विधेयक कमर्शियल सेरोगेसी और इससे जुड़े अनैतिक कार्यों पर रोक लगाएगा। और सेरोगेसी का मतलब है किसी और की कोख में अपने बच्चे को जन्म देना, सिंपल और आसान भाषा में, बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 35 है, खूब समय से सुन रहे हैं, 35 है, 35 है, क्या है 35 है ना, ये भी तो पता होना चाहिए कि 35 है क्या। तो 35 है, ये बड़ा चर्चा में है और देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है ये, और सुप्रीम कोर्ट इस पे बताएगा कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। और 99% केस ऐसा ना समझ में आ रहा है सिनेरियो, क्योंकि अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या संवैधानिक ही है ये। दरअसल 1954 में उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत एक आदेश द्वारा अनुच्छेद 35 संविधान में जोड़ा गया, जिसका मूल काम है जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिकों की नागरिकता की पहचान करना। 35 का काम यह है, ठीक है। तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर विधानसभा को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की शक्ति देता है। और बहुत सारे तरीके हैं इसमें कि कौन जम्मू कश्मीर में रहेगा, कौन निवासी, कौन सा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि 14 मई 1964 में यदि आप जम्मू कश्मीर में उस समय थे तो आप जम्मू कश्मीर के निवासी होंगे, या आप 10 साल से निवास कर रहे थे तो आप जम्मू कश्मीर के निवासी होंगे। जम्मू कश्मीर की यदि कोई लड़की बाहर कहीं शादी कर लेती है तो जम्मू कश्मीर का उसका नागरिकता चली जाएगी, बच्चे, मतलब ऐसा करके पूरा क्लॉज लिखे हुए हैं 35 में, ठीक है। तो 35 क्या है, ये जम्मू कश्मीर विधानमंडल को ये बताता है कि आप कैसे किसी की नागरिकता को पहचान करेंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे, ठीक है। विवादित इसलिए है क्योंकि कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया, ना इसे लोकसभा में भेजा गया, ना इसे राज्यसभा में भेजा गया, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इसको जोड़ दिया गया, जो कि ये प्रक्रिया के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है सबरीमाला मंदिर, चर्चा में रहा ही है, अभी एक और नई बात आई है, क्या बात आई है, इस कार्ड से मैंने इसको रखा है। 28 सितंबर 2018 को केरल में जाने वाले सबरीमाला मंदिर जो है ये भगवान अयप्पा का है, ठीक है, ये ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं, और ब्रह्मचारी व्यक्ति यानी ये हनुमान जी हैं हमारे। तो 28 सितंबर 2018 को केरल में जाने वाले सबरीमाला मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई महिलाओं के प्रवेश को आप क्यों रोक रहे हो, आप कह रहे हो कि 10 साल से पहले की महिला जा सकती है और 50 साल से ज़्यादा उम्र की महिला जा सकती है, ये कह रहे हैं कि महिलाएं जब रजस्वला स्थिति में रहती हैं तो आप भगवान अयप्पा के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो ब्रह्मचारी व्यक्ति है, ऐसा कुछ विभेद बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि शारीरिक संरचना के आधार पर महिलाओं के मंदिर के प्रवेश को प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से लेकर सभी स्वतंत्रताओं का। तो मंदिर का ट्रस्ट कहता है कि 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं प्रवेश नहीं करेंगी, और अभी 1 जनवरी 2019 को केरल की लाखों महिलाओं ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए विरोध किया। विरोध के तहत क्या किया, 620 किलोमीटर की लंबी दीवार बना दी, खुद खड़े होकर के, केरल के एक छोर में खड़ी हुई और दूसरे छोर तक बस लगातार खड़ी होती चली गई, 620 किलोमीटर, ठीक है, एक हाथ में भी कोई चीज लेती और पूरा सामान, पता चला इधर का पूरा सामान उधर पहुंचा सकती थी, इतनी लंबी दीवार थी, बस चैन सिस्टम बना लेना था, समुद्र में फेंक सकती थी, पूरा केरल खाली कर सकती थी। लेकिन उस दिन दो महिलाएं उस पे जाने में सफल भी रहीं, दो महिलाएं गई भी, ठीक है। अयप्पा साहब ने मना नहीं किया है, मना कोई और कर रहा है, ठीक है, अयप्पा मना करते तो दोनों क्यों जा पाती, वो भी तो गई। तो यहां पे क्या है,
सबरीमाला मंदिर में इसको कुछ का नाम, इसका नाम है बनिता माथिल बोलते हैं इसको, ठीक है, बनिता माथिल। एक ये 620 किलोमीटर लंबी महिला दीवार बनाई, निर्माण किया। यह दीवार उत्तरी केरल के कासोरगोड से लेकर के दक्षिणी छोर तिरुवनंतपुरम तक बनाई गई। 1 जनवरी 2016 को दो महिलाएं, इसका नाम है बिंदु यामिनी और दूसरा है कनक दुर्गा, ने मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचने में सफलता पाई। और मंदिर ट्रस्ट द्वारा लगातार विरोध जारी है और महिलाएँ पुरुष का बेस रख करके भी जा रही हैं, ठीक है, महिलाएं अपने जिद पे अड़ी हुई हैं, ठीक है। ये भी मुझे समझ में नहीं आता, एक पढ़ी लिखी समाज है, केरल तो हमारा पढ़ा लिखा क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसा क्यों विरोध हो रहा है, हमारी समझ से परे है इतने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ बातें। मोस्ट फेवर्ड नेशन, खूब जानते हैं आप इस विषय वस्तु को, विशेष तरजीह राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसका दर्जा पाकिस्तान से छीन लिया गया। ये हुआ पुलवामा अटैक के प्रतिक्रिया स्वरूप, जब पुलवामा अटैक हुआ उसके प्रतिक्रिया स्वरूप। इसके तहत क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल आसान भाषा में समझाऊं तो दो राष्ट्रों के बीच जो आयात निर्यात होता है उसमें विशेष छूट दी जाती है आपस में, ठीक है। WTO के तहत ही एक क्लॉज है 2B, उसके तहत ही विशेष मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाना लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन WTO की धारा 21B यह भी कहती है कि यदि दो देशों के बीच में आपस में सुरक्षात्मक कारणों से विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो एक दूसरे का मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या कर सकते हैं, है ना, वापस ले सकते हैं, दर्जा वापस कर सकते हैं। तो भारत ने पाकिस्तान को दिए गए विशेष तरहीज यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जिस देश को प्रदान किया जाता है उसे आयात निर्यात में विशेष छूट मिलती है। भारत ने पाकिस्तान को दर्जा 1996 में दिया था, है ना, और सुरक्षा कारणों से इसे वापस ले लिया, अब आगे नहीं देंगे, ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट है, एक कैशलेस गाँव बना है जहाँ पैसा नहीं चलता है, नगदी नहीं चलता है, जहाँ सारा का सारा नेट बैंकिंग से, चेकबुक से, ऐसे ट्रांसफ़र होता है, पेटीएम से, भीम ऐप से ऐसे ट्रांसफ़र होता है। ये महाराष्ट्र का ठाणे जिले में स्थित धसाई गांव है। धसाई गांव जो है भारत का पहला कैशलेस गांव बना है। नेक्स्ट, दो बैंक मिलकर तीसरा बैंक बन गए, ठीक है, एक बड़ा बैंक में दो बैंकों को मर्ज कर दिया गया है और वो भारत का तीसरा बड़ा बैंक बन गया है। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंक इंटर कर चुके हैं, पहले बैंक का नाम है देना बैंक और दूसरे बैंक का नाम है विजया बैंक। देना और विजया बैंक अब नहीं रहे, अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा बन गए हैं। 1 अप्रैल 2019 से विलय प्रभावी हो चुका है और इसी के साथ SBI, ICICI बैंक के बाद तीसरा बैंक बन चुका है बड़ा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अगला HDFC, 2 जनवरी 2019 को HDFC म्यूचुअल फंड देश के सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनी बन गई। ICICI लोम्बार्ड को इसने शायद पीछे छोड़ा है और अब ये HDFC भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संपत्ति प्रबंधक कंपनी बनी है। अगला नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बना था, सबको पता है, पेटीएम और पहले एयरटेल बना था, पहले एयरटेल फिर पेटीएम फिर इंडिया पोस्ट। ये इंडिया पोस्ट में भारत सरकार की 100% शेयर है, भारत सरकार की स्वायत्तता में है, भारत सरकार के अंतर्गत है। 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट जो है पेमेंट बैंक बन गया। नेक्स्ट, अगला अभी बड़ा मुद्दा चल रहा है, कभी राहुल गांधी जी आते हैं किसी रैली में, कहते हैं मैं 1 साल में 72,000 रुपये दूंगा आप लोगों को, मुझे वोट दीजिए, मुझे जिताइए। ये क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सार्वभौमिक बुनियादी आय। एक नई संकल्पना आई है, सार्वभौमिक बुनियादी आय। इस संकल्पना के तहत भारत के सभी नागरिकों को निश्चित राशि देने का प्रस्ताव किया गया है या किया जाता है, यानी कि आप कुछ करिए ना करिए आपको कुछ मिलेगा हर महीने या साल भर में। तो भारत की बेरोजगारी तो दूर हो जाएगी रातों रात, हमें रोजगार तो मिल जाएगा फ्री फंड में, लेकिन हम अकर्मण्य हो जाएंगे, अकर्मण्यता भी आ सकती है। और बहुत सारे देशों ने इसको लागू भी किया है और लोकसभा चुनाव 2019 में ये मुद्दा बहुत हावी रहा, साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में भी इस योजना को लागू करने की सिफारिश की गई थी। तो याद रखिएगा, सार्वभौमिक बुनियादी आय संकल्पना क्या है, इस संकल्पना के तहत किसी भी देश के नागरिकों को एक निश्चित राशि देने का प्रस्ताव किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को, ठीक है, 23 तारीख का इंतजार करते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। नेक्स्ट, अब ये मत कहिएगा कि मैं किसी के हारने की बात कर रहा हूँ, भगवान करे सब पार्टियाँ जीत जाएं। नेक्स्ट, आगे अगला कर्ज माफी, ये बड़ा ट्रेंड चल चुका है। कोई भी चुनाव आता है वो कहता है मैं किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा, वो किसानों का कर्ज माफ कर, अपने पिताजी के घर से कर्ज माफ कर रहे हैं आप। भारत देश की आय जो है, देखो इसमें किसानों को बेनिफिट हो रहा है, नो डाउट,
लोग कहते हैं, ये हम लोग बोलते हैं कि विजय माल्या इतने अरब की संपत्ति लेके भाग गया, कोई कहता है नीरव मोदी इतने अरब की संपत्ति लेके भाग गया, तो क्यों ना हम किसानों को इतना पैसा दे दें। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के सही लिए सही नहीं है। और मैं किसान विरोधी भी नहीं हूँ, ये भी बात सही है। ये RBI की रिपोर्ट आई है। RBI ने कहा कि देश की राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें कर्ज माफी देश की अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल रहा है। इससे कोई समाधान नहीं होगा। आप किसानों को उन्नत तकनीकी दीजिए, ना कि कर्ज माफी कीजिए। आप किसानों को सारे संसाधन दीजिए ताकि उनकी आय अपने आप दुगना हो जाए, कर्ज के माध्यम से कम ना हो। उनके अंदर सेल्फ एस्टीम आए, आत्मसम्मान आए, आत्मनिर्भरता आए, जो देश को सबलता दे सके, नकारात्मकता ना दे सके। तो ये भी एक रिसर्च आई है। RBI ने कहा है कि कर्ज माफी से राजकोषीय घाटा पटरी से उतर चुका है और महंगाई बढ़ने के साथ साथ वित्तीय घाटा भी बढ़ रहा है। दोनों चीज़ें हो रही। लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है तो महंगाई बढ़ेगी, है ना। पैसा आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, है ना। अब आज के टाइम में किसान करते क्या है, एक कर्ज खत्म नहीं हुआ दूसरा पहले ले लेते, सोचते हैं अगले 5 साल बाद भरूंगा। क्यों? अगले 5 साल बाद माफ हो जाना है। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में पहले योगी जी ने, फिर इसके बाद कमलनाथ जी ने, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, असम, जहां चुनाव रहे वही यही बात हो रही, किसानों की कर्ज माफी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा देश के लिए सही नहीं है। इस बात पर भी विचार अब चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग, सतत विकास लक्ष्यों के बारे में आपने सुन रखा होगा। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जब 2015 में खत्म हुए तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा सतत विकास लक्ष्य जारी किए गए। तो अभी नीति आयोग ने 21 दिसंबर 2018 को सतत विकास लक्ष्य की भारत सूची जारी की है। ठीक है, और इस सूची के तहत भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को दिखाया गया, और जो कि आगे दिखाएगी। और सतत विकास लक्ष्य जो है 2015 में तैयार किए गए थे। इसमें 17 लक्ष्य हैं जो 2030 तक यूनाइटेड नेशन से जुड़े सभी देशों को प्राप्त करना है। गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुरक्षा, है ना, रोजगार, बहुत सारी कुपोषण, इन सभी मुद्दों की बात उसमें की गई है। 17 टारगेट बनाए गए हैं, देख लीजिएगा एक बार। अगला, दुनिया के शीर्ष 11 स्टॉक एक्सचेंज में भारत के 2 स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक पहले नंबर पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन अभी NSE और BSE दोनों शामिल हो गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 11 टॉप 11 में शामिल हो चुके हैं। अरबपतियों की सूची आई है, हमारा सारा पैसा इनके पास जा चुका है। जेफ बेसोस, इसका नाम सुना होगा, अमेजोन का फाउंडर है, डायरेक्टर है। ये वो पर्सन है जो नंबर 1 हो चुके हैं बिल गेट्स को पार करके, है ना। तो इनकी संपत्ति $131 अरब है इस समय। बिल गेट्स काफ़ी पीछे हैं। बिल गेट्स की है आपकी 91 अरब डॉलर के आसपास बिल गेट्स की है। तो नंबर 1 हो चुके हैं जेफ बेजोस, फिर बिल गेट्स है, फिर इसके बाद वॉरेन बफेट का नाम आप सब जानते ही है। और भारत में मुकेश अंबानी, संपत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है जियो जब से आ गया। लोगों को लग रहा था जियो में लुटा रहे हैं, कहाँ लुटा रहे हैं, $50 अरब बन चुका है इनके पास, है ना। मुकेश अंबानी $50 अरब के साथ। दूसरे नंबर पे अजीम प्रेम जी हैं और तीसरे नंबर पे लक्ष्मी निवास मित्तल है। ठीक है, अजीम प्रेम जी बहुत पीछे हैं, $22 अरब के आसपास है। अजीम प्रेम जी वो व्यक्ति हैं जो विप्रो के फाउंडर हैं और इन्होंने बहुत सारा पैसा अपना दान कर रखा है, बहुत सबसे ज़्यादा दान देते हैं भारत में। ठीक है, आयकर विभाग ने आप सभी के टैक्स को पता करने के लिए, आप सभी के डेटा एनालिसिस के लिए एक नया प्रोजेक्ट पारित किया है, बनाया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट इनसाइट। 1 अप्रैल 2019 से प्रोजेक्ट इनसाइट RK विभाग द्वारा लागू किया जा सका है। इसके तहत करदाताओं को हर तरह की जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट ये पोर्टल है, बनाया गया है, वेबसाइट में है, आप यदि टैक्स पेयर हैं तो आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं साइंस एंड टेक की विषय वस्तु पे। ठीक है, इसी के साथ अंतरिम बजट भी देख लेते हैं। अंतरिम बजट, सरकार जब कभी चुनाव में हो जाती है, चुनाव में जाती है, या फिर पूर्ण बजट पारित करने की स्थिति नहीं रहती है, तो सरकार लेखानुदान के रूप में, वोट ऑन अकाउंट के रूप में, या मिनी बजट के रूप में, जो नाम आप देना चाहें, अंतरिम बजट के लेकर के आती है, कम समय अवधि का बजट। ठीक है, जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक धन की पूर्ति की जा सके, बजट की पूर्ति की जा सके, यही उद्देश्य होता है इसका। तो अंतरिम बजट आया 1 फरवरी 2019 को। अरुण जेटली लेके नहीं आए ये, अरुण जेटली बीमार थे, तो कौन लेकर आया, पीयूष गोयल साहब। ठीक है, पीयूष गोयल साहब को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। पीयूष गोयल साहब वित्त, कारपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री थे, और पीयूष गोयल ने 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं, लेखानुदान कहा जाता है, मिनी बजट भी कहा जा सकता है। और अंतरिम बजट में पूरे वर्ष के बजाय कुछ महीनों का बजट होता है ये, और ये जो है
सामान्यतः चुनावी वर्ष में सीमित समय हेतु खर्चे के लिए पारित किया जाता है। जब चुनाव का टाइम होता है तो सीमित समय के खर्चे के लिए इसे पारित कर देते हैं। अभी जैसे ही सरकार बनेगी, नए वित्त मंत्री बनेंगे, वो पूर्ण बजट लेके आएंगे। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है, ये काम जुलाई में होगा, ठीक है, क्योंकि बजट बनाना ये सब काम पूरा एक प्रक्रिया होता है, टाइम लगता है। जैसे ही 23 को गिनती चालू हो जानी है, रिजल्ट किस दिन आना है, 23 को आ जाएगा, सरकार बनेगी 27 तक सरकार, प्रधानमंत्री मिल जाएगा हमको, उसके बाद जो है प्रक्रिया चालू करेंगे और नया बजट आ जाएगा आपका। इसके तहत कुछ नई योजनाएं हुई हैं, पुरानी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब मैंने खुद अलग से पढ़ा दी हैं, ठीक है, खूब पढ़ाए। योजनाएं के लिए अलग से चैप्टर है, मेरे पुराने मास्टर वीडियो सब में योजनाएं हैं, करंट अफेयर्स के, इकोनॉमिक्स के सब में योजनाएं हैं। यहाँ पे कुछ नई योजनाएं हैं। पहली आई है योजना, किसानों को 6,000 रुपये देंगे हम एक साल में, 2,000 की 3 किस्तें देंगे। इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्या बात है, नाम बहुत अच्छा देती है बीजेपी। नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। इसके तहत 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जोत है, जो सीमांत किसान है, परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष छाय सहायता प्रदान की जाएगी। 2,000 रुपये की 3 किस्तों में लाभार्थियों को, अभी एक किस्त पहुंच चुकी है शायद, तो 2,000 की 3 किस्तें एक साल में दी जाएंगी बीच बीच में, ठीक है। और इसके तहत बजट पारित किया गया है, 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय आएगा। अगला और बहुत अच्छा नाम हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री योगी जी के नाम पे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये भी एक तरीके से जो श्रमिक हैं, अहमदाबाद से इसे शुरू किया गया, और इसमें 15,000 रुपये से मासिक आय से जो कम पाते हैं और असंगठित क्षेत्र में, यानी प्राइवेट सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी कृषि वसी जिनमें भी हैं, और उनकी आय 15,000 रुपये प्रति माह से कम है, तो उनके लिए उनको कुछ कुछ पैसा बैंकों में देना पड़ेगा, और जैसे ही वो 60 साल के होंगे वैसे उनको एक पेंशन आनी चालू हो जाएगी। ये है मानधन योजना, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मासिक पेंशन है, और मासिक पेंशन असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए आ सकती हैं, दोनों योजनाएं ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी की योजनाएं मैंने सारी पढ़ा दी, आयुष्मान योजना से लेकर हर चीज। अंशदान होगा, 60 वर्ष से कम 3,000 लोगों को निश्चित मासिक पेंशन दी जाएगी। मनरेगा के तहत 60 करोड़ रुपया ये आवंटित किया गया। हर बार पूछता कि मनरेगा में कितना आवंटित हुआ, 60,000 करोड़ रुपया इस बार अंतरिम बजट में हुआ है। इसके बाद एक 22वां एम्स बनाया जा रहा है, ये एम्स बनाया जा रहा है हरियाणा में, है ना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में भी बन रहा है एम्स, बन के तैयार भी हो चुका है लगभग। 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा एक समिति बनाई जाएगी जो ये पता करेगी कि गैर अधिसूचित घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु लोगों का वर्गीकरण करेगी ये समिति। ये अभी बनाया जाएगा, इसकी गठन की घोषणा की गई है। इसके अलावा रेल बजट के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, और एक नई रेल चलाई गई है। क्या नाम है, ट्रेन 18, दूसरा नाम है वंदे भारत योजना। पहले इसका नाम था अटल दूत पहले नाम रखा, फिर सोचा ठीक नहीं रहेगा, फिर इसका नाम रख देगा वंदे मातरम। कहाँ से चलेगी, दिल्ली से बनारस, दो जगह रुकेगी, कानपुर रुकेगी और इलाहाबाद रुकेगी, प्रयागराज माफ कीजिएगा। तो ये जो है, ये एक ट्रेन है, 15 फरवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा इस ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई गई, और ये इंजन नहीं है इस ट्रेन में, इंजन रहित ट्रेन है ये, ठीक है, इंजन रहित ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वंदे मातरम एक्सप्रेस नाम है, चेन्नई से बन के आई है, और 795 किलोमीटर का सफर मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में पूरा करेगी। तो आप इस सफर का मजा ले सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, अंदर जाएंगे ऐसा फील आएगा जैसे एरोप्लेन में घुस गए, ठीक है। चलिए, इसके पहले पहले गतिमान एक्सप्रेस बनी थी दिल्ली से आगरा के लिए, है ना, 140 किलोमीटर 160 किलोमीटर तक की रफ्तार हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बुलेट ट्रेन की तरफ भारत बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। पहले पूरी पटरियां उखाड़ी गई, फिर ट्रेन लगाया गया, है ना, नहीं तो पता चला पटरियां उड़ जाती इतनी स्पीड में। अधोसंरचना डेवलप करनी पड़ेगी तब चीज़ें हो पाएंगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल नहीं बोल सकते, गाय जरूर याद रखना है इसमें। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ताकि श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया जा सके, खूब दूध हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट, वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना लक्ष्य रखा गया, 3.4% का लक्ष्य रखा गया है, और 2020-21 में ये 3% लाने का लक्ष्य रखा है, दो टारगेट ये निकल के आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, ये हो गया आपका मोटा मोटी अंतरिम बजट, इतना ही था उसमें अंतरिम बजट में, इसलिए मैंने क्लास भी नहीं ली।
अब मैं पूर्ण बजट में आपको बढ़िया से एक मास्टर वीडियो बजट का ही दूंगा जब आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें क्या क्या हुआ है अभी हाल फिलहाल में। पहली चीज, ब्लैक होल की पहली फोटो आई है ना। ब्लैक होल एक ऐसा पिंड होता है, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, एक तारे का स्टेज है ना, और ब्लैक होल एक ऐसा स्टेज होता है किसी तारे का जहां पर जाकर उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत बढ़ जाता है, और वो इतना गुरुत्वाकर्षण हो जाता है कि अपने अंदर तक का प्रकाश भी नहीं निकलने देता, ठीक है। तो ब्लैक होल्स को पता करने के लिए दूरबीन सी होती हैं जिनके माध्यम से उनको चिन्हित कर सकते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि सामने अंधेरा है लेकिन गए तो किसी से टकरा गए, ठीक है। कृष्ण बीवर भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो अभी क्या हुआ, 10 अप्रैल 2019 को खगोल भौतिकी क्षेत्र में 8 रेडियो दूरबीनों के डेटा की सहायता से इवेंट होरिजन टेलीस्कोप परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की, और ये ब्लैक होल अवस्थित है M87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में जो पृथ्वी से 53 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, आसपास की घटना है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब मान लो ये ब्लैक होल धरती की तरफ आना शुरू हो जाए, सौर मंडल खा जाएगा, जैसे ही पास से निकलेगा पूरा का पूरा, इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं सब लील लेता है, ये खा जाता है। ये सुरसा बोलते हैं लोग, गोल्डन वो क्या बोलते हैं उसको, बरमूडा ट्रायंगल लोग कहते हैं, वहाँ पे सुरसा है। सुरसा जानते हैं, रामायण की एक नायिका थी जो हनुमान जी को मिली थी, कहाँ पे, समुद्र में, हाँ, परीक्षा ले रही थी हनुमान जी की बुद्धि की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अगला है, 5 अप्रैल 2019 को दक्षिण कोरिया ने 5G कर दिया पूरे देश को अपने, ठीक है। कतर ने इससे पहले किया था लेकिन कतर ने एक छोटे से हिस्से में किया था 2018 में, लेकिन अभी क्या किया, दक्षिण कोरिया ने पूरे देश को 5G कर दिया, और 5G सुविधा, 5G समझते हैं ना, 4G इंटरनेट स्पीड की बात कर रहे हैं। अभी जो 4G में डाटा चलाते हो ना, इससे 20 गुना ज़्यादा रफ्तार है उसकी, यानी कि 20 GB/s, अभी तो कितना आता है, अभी 1 GB/s आता आपको, तब 20 GB/s समझिए क्या होगा, छूते ही प्रारंभ हो जाएगा डाटा, पहले ही टच करने से पहले ही शुरू ना हो जाए, इतना फास्ट चलेगा 5G। लेकिन सर्विस महंगी होगी, शायद उस समय जियो फिर कृपा कर दे इसी तरह जैसे अभी किया, तो 5G नेटवर्क में 4G की, लेकिन करेंगे क्या इतनी स्पीड का, 5G नेटवर्क में 4G की तुलना में इंटरनेट स्पीड 20 गुना बढ़ोतरी होगी, ठीक है। कतर ने मई 2018 में तकनीकी पहले अपने देश के हिस्से में लागू किया था और इसने कर दिया। भारत में BSNL सोच रहा है कि मैं कुछ करूं, ठीक है, वैसे भी BSNL की हालत ख़राब चल रही है, तो सोच रहा है कि मैं 5G ले आता हूं, शायद लोग खुश हो जाएं। उसे ये नहीं पता 5G में खर्चा बहुत करेगा, खरीदने वाला भारत में कोई नहीं है, है ना, कौन डाटा डलवाएगा। लोग कहते हैं 4G, अभी तो लोग 3G में भी चल रहे हैं भारत के लोग, कुछ लोग 2G में भी काम चला ले रहे हैं, कोई नहीं, घूमने दो, खूब टाइम है अपने पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन भी आया था आप लोगों ने पिछले साल के UPSC का पेपर दिया हो। दरअसल कुछ नहीं है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब ऐसे डिवाइसें हैं जो आपस में बातचीत कर लेती हैं इंटरनेट के माध्यम से, आपकी जरूरत नहीं है, आपके कोड की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपस में बातचीत करके सारा काम कर लेंगी, ठीक है। तो अभी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, स्टार्टअप चालू किए जा रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक ऐसी नेटवर्किंग है जिसमें सारे डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक नए युग का शुभारंभ, तो बहुत स्तर पर बहुत सारी चीज़ों में प्रारंभ हो गया, और डेटा सेंड कर सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, अभी विश्व के सुपर कंप्यूटरों की सूची आई है, विश्व का पहला सबसे हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर निकल के आया है, समिट ये अमेरिका का है, दूसरा सियरा ये भी अमेरिका का है, पहले सनवेत ह्यूलाइट हुआ करता था चाइना का, अब हो गया समिट, ठीक है। समिट बहुत स्पीड है इसकी, अमेरिका का है, फिर सियरा, फिर सनवेत ह्यूलाइट, भारत के हैं प्रत्यूष, 45वें नंबर पे विश्व में, प्रत्यूष है, मिहिर है, INC1 है, और CERS RC है, यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगस्त 2018 में भारतीय स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र आंध्र प्रदेश स्थित अमरावती में आरंभ किया गया, ठीक है। क्या है,
भारत का भारत स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक संस्था है, कंपनी है। इसके द्वारा विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र, याद रखना, आंध्र प्रदेश के अमरावती में आरंभ किया गया है। नेक्स्ट, मोदी जी बनारस के लिए तो कुछ कर ही रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। पहला तो अभी एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, आप जैसे ही दशामेश कौन सा घाट है, हाँ वही घाट अभी देखेंगे, तो उस घाट से डायरेक्ट एक कॉरिडोर बनाया है उन्होंने जो काशी विश्वनाथ को जोड़ेगा। सब मंदिर अब तो घर तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, मंदिर निकल रहे हैं, मंदिरों को घरों में छुपा लिया गया था। ठीक है, तो अभी खूब बनारस में तीन चार काम हुआ। पहला काम हुआ, नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2019 को बनारसी में आईआईटी बीएचयू में परम शिवाय सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण किया। ठीक है, परम शिवाय सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण किया, ये नवोदय विद्यालय को भी जोड़ के रखेगा साथ में। और इसके बाद जो है दूसरा काम इन्होंने, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, दो तीन काम है इनके जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगला है आपका, अक्टूबर 2018 में नासा द्वारा किए गए अंतरिक्ष, ये तो आप सब जानते हैं, पार्कर सोलर प्रोब, ये सूर्य के सबसे नज़दीक पहुँचने वाला यान बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अंतरिक्ष गगनयान का नाम सुना होगा आपने, है ना, भारत का एक बहुत बड़ा थीम प्रोजेक्ट है ये, और केंद्रीय ये मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से भी बोला था। तो 22-28 दिसंबर 2018 को भारत के पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम, एक हम अंतरिक्ष यान भेजेंगे जिसमें 3 लोग जाएंगे और 7 दिन अंतरिक्ष में रुकेंगे, इसका नाम है मिशन गगनयान। ठीक है, तो अंतरिक्ष यान का मंजूरी दी, इसके तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और 7 दिन अंतरिक्ष में रुकेंगे। और पहले यूरी गागरिन गए हैं, है ना, राकेश शर्मा भी जा चुके हैं, वो लेकिन भारतीय नहीं है, स्वदेशी नहीं है, अब स्वदेशी है, और इस मिशन को 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। एक चीज़ और सुनी होगी, भारत यहाँ से बैठे बैठे अब कोई भी सैटेलाइट मार सकता है, इसको बोला गया मिशन शक्ति। इसका प्रक्षेपण, इसका अभी सफल परीक्षण किया गया, 3 मिनट में एक सैटेलाइट को जो निम्न कक्षा में लो ऑर्बिट में थी उसे मार गिराया गया। ठीक है, तो मिशन शक्ति है 27 मार्च 2019 को, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये मिशन शक्ति 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए सेट का सफल परीक्षण किया गया। भारत जो है अमेरिका चीन रूस के बाद चौथा देश बन गया जो ये कार्य कर सकता है। ठीक है, बैठे बैठे किसी भी देश का पूरा सिस्टम हम कोलैप्स कर सकते हैं। लीगो भारत परियोजना, ठीक है, लेजर ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है, कहाँ बनाई जा रही है, महाराष्ट्र ने अभी इसके लिए भूमि आवंटन भी कर दिया है, हिंगोली जिले औंध नामक स्थान पर बनाई जा रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है पर्यावरण से जुड़ी हुई बात, अभी एक चक्रवात आया था, हर साल आता है, उसका बनता है आना। ठीक है, तो अभी फैनी आया था, फैनी तूफान 3 मई को 2019 में आया, यहाँ तक भी उसकी झलक आई थी, याद कीजिए 3-4 मई को खूब तेज शाम को आंधी चलनी चालू हो गई। ठीक है, तो फैनी जो है 3 मई 2019 को उड़ीसा के पुरी वाले तट से टकराया था, और हर साल कोई ना कोई टकराता ही है। तो चक्रवात आते हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, चक्रवात में ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा जब फिजिकल ज्योग्राफी चलेगी। आगे नेक्स्ट, COP 24 याद रखिएगा, पूछ लेता है कि इस बार कौन सा COP था, कहाँ पे हुआ था। COP 24 ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 24वें सत्र का आयोजन 2 दिसंबर 2018 को से 15 दिसंबर 2018 के बीच पोलैंड के कैटोविस में किया गया था, जगह का, पिछली बार जर्मनी के वान में किया गया था, है ना, फिर उससे पहले लीमा में किया गया था, उससे पहले पेरिस में किया गया था, तो ये बहुत जरूरी है, पोलैंड के कैटोविस में। अब इसमें करना क्या क्या था, पहला काम करना था जो पेरिस हुआ था, COP 21 हुआ था, COP 21 के जितनी भी बातें, जितने भी दिशा निर्देश है सबको क्रियान्वित कर देना फाइनली, पहला काम तो ये करना था। दूसरा, जलवायु परिवर्तन पर 2020 से पूर्व यानी 2020 से पूर्व जो भी कदम उठाए जाने हैं उनको फाइनली उनका ऑब्जर्व करना था, उनका क्रियान्वयन करना था इसको। ठीक है, तो 2-3 काम थे इसमें और हुआ भी, इस पे काम भी हुआ। ठीक है, अगला, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि 2020 से 1 अप्रैल 2020 से BS4 मानक के जितने भी ईंधन हैं, जितने भी वाहन हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। अब भारत BS5 में नहीं जाएगा, अब भारत सीधा BS6 में जाएगा, यानी भारत वाहन ईंधन गुणवत्ता को जुड़े BS6 मानक को 1 अप्रैल 2020 से लागू कर देगा। ठीक है, यूरो जोन की तरह पर्यावरण में कार्बन इमिटिंग को देखते हुए वाहन से जुड़े हुए जितने भी इंजन युक्त वाहन हैं उनको बेचने और पंजीकरण की अनुमति को खत्म कर दिया है, BS6 किए जाएंगे, और इन मानकों के द्वारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उनके उत्सर्जन, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन, इनकी अधिकतम सीमाएं तय की जाती हैं किसी वाहन से कितना इमिट होगा।
ठीक है, तो BS6 आ जाएगा, तो काफी हद तक प्रो इन्वायरमेंटल ये होगा। ठीक है, इसी उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लगाया गया। आगे नेक्स्ट, 30 जनवरी 2019 को रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन किस लिए हुआ था? आद्र भूमि, है ना, वेटलैंड के लिए। तो 30 जनवरी 2019 को रामसर कन्वेंशन के तहत भारतीय सुंदरवन को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्र भूमि का दर्जा प्रदान कर दिया गया। सुंदरवन का डेल्टा, इसको आद्र भूमि बना दिया गया है। अब टोटल 27 आद्र भूमियां हो चुकी हैं भारत में। भारत में बहुत आद्र भूमियां हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो रामसर कन्वेंशन के तहत है वो 27 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 27 आद्र भूमि स्थल हो चुके हैं रामसर कन्वेंशन के तहत। आगे नेक्स्ट, 13 मार्च 2019 को मानव क्रियाओं के कारण जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रजातियों के मामले में भारत को विश्व का 16वां स्थान मिला है। यानी कि भारत में बहुत तेजी से प्रजातियां खत्म हो रही हैं, संवेदनशील 35 प्रजातियां तो खत्म हो चुकी हैं विलुप्त होने के कगार में। तो भारत को विश्व में 16वां स्थान मिला है। सबसे ज्यादा प्रजातियां संकट है मलेशिया में। भारत में अभी तब भी धीमी है गति, लेकिन मलेशिया में बहुत तेजी से खत्म हो रही है। अगला नेक्स्ट, वैश्विक, ये क्वेश्चन पक्का पूछता है 99%। वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट आ चुकी है आपकी, ये 26 मार्च 2019 को आई है। इसके तहत चाइना विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन इमिट करता है, सबसे ज्यादा कार्बन भेजता है, उत्सर्जित करता है, 9,441 मिलियन टन। यानी विश्व का 28.64% कार्बन अकेले चाइना करता है। दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे हम बन गए हैं। ठीक है, भारत है 2,299 मिलियन टन, चूंकि अभी हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। लेकिन जानने वाली बात क्या है, क्या जानने वाली बात यह है, यह भी जानने वाली बात है, आपको एक क्रम याद होना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा जानने वाली बात यह है कि जो वार्षिक वृद्धि दर हुई है हमारी पिछले बार से इस बार की तुलना में, हम नंबर एक पे आ गए। 4.8% के साथ भारत चीन और अमेरिका दोनों को छोड़कर ऊपर पहुंच गया है। नहीं समझे, वार्षिक वृद्धि दर पिछली बार की तुलना में इस बार भारत बहुत तेजी से कार्बन एमिशन करना चालू कर चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़, 6 अप्रैल 2018 को केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में देश का पहला वन धन विकास केंद्र, ये क्या है, वन धन विकास केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी। वन धन विकास केंद्र में होता क्या है, यह एक ऐसा उद्यम होता है जिसका लाभ मुख्यतः आदिवासियों को दिया जाता है। यानी कि वन से जो चीज मिलेगी वो आदिवासियों को ही जाएगी। वन धन, वन का धन आदिवासियों के पास, ठीक है, ताकि नक्सलवाद की समस्या से निपटा जाए। उन सब चीजों को लेकर ये प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उड़ीसा के तट पर गंजम तट है ना, उड़ीसा का गंजम तट है, या फिर आपका एक है ऋषिकुल्या तट है, ये कुछ तट है, और वहीं पर ही गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य है, जहां पर ओलिव रिडले टर्टल्स, है ना, या ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं, विलुप्त होने के कगार में है, है ना। साल के एक समय में ये आते हैं, बाहर निकल के आते हैं, बड़ी लाखों की संख्या में आते हैं, तट पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं के लिए घोंसले की शुरुआत की गई है, ताकि इनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। यह ओडिशा के ऋषिकुल्या तट पर की गई है। ओडिशा में अवस्थित गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य इनके संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। तो गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ों में, इनको याद करना पड़ेगा आपको। मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, दिमाग को अब खोलिए, ठीक है, थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ों में पहुँचते हैं। पहली दो चार चीज़ें मैं आपको याद कराता हूँ, कुछ पुरस्कार याद कर लीजिए जो हमेशा पूछे जाते हैं। अभी जो भी आप एग्जाम दोगे सब में पूछे जाएंगे पुरस्कार, 99% पूछे जाएंगे। मैं बहुत लिमिटेड पुरस्कार ही लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं पूरी लिस्ट नहीं लाया हूँ। जो पुरस्कार मेरे अनुभव अनुसार हमेशा पूछे गए मैं वही लेकर आया हूँ। पहला है आपका, याद रख लीजिए, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अंग्रेजी भाषा को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषा में दिया जाता है। ये 22 भाषा आपका जो है, आपका जो संविधान की शेड्यूल लैंग्वेज हैं उन्हीं में दिया जाता है। तो अमिताभ घोष को दिया गया अंग्रेजी में 2018 का, ठीक है। इसके अलावा अमिताभ घोष याद रखिएगा, 2017 का कृष्णा सोबितो को मिला था हिंदी के लिए, और शंख घोष को 2016 का मिला था बांग्ला के लिए। लेकिन इस बार का याद रखना अमिताभ घोष, ठीक है। दूसरा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 दिए जा चुके हैं, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ 22 में, ये 24 में, ठीक है।
तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में 22 तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, शेड्यूल्ड 22 लैंग्वेज, और 2 अंग्रेजी और नेपाली हैं, ठीक है। तो इस बार दिया गया चित्रा मुग्धल को हिंदी के लिए। हर भाषा को दिया जाता है लेकिन इस बार हिंदी के लिए, हम चूंकि हिंदी भाषी हैं तो हिंदी के लिए दिया गया चित्रा मुग्धल को। इनका है पोस्ट बॉक्स नंबर 213, ये इन्होंने एक संस्करण बनाया है उसी के लिए इनको मिला है, ठीक है। साहित्य अकेडमी, चित्रा मुग्धल, ज्ञानपीठ, अमिताभ घोष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैन बुकर पुरस्कार। ये अंतर्राष्ट्रीय बड़े पुरस्कार हैं साहित्य के क्षेत्र में। ये मिला एना बर्न्स को, एना बर्न्स, ठीक है, एना ही याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। मिल्कमैन पुस्तक के लिए दिया गया इनको। नेक्स्ट है आपका पद्म विभूषण, 3 लोगों को मिला है 2018 का। इलैया राजा, ये दक्षिण भारतीय संगीतकार हैं। गुलाम मुस्तफा खान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। पी परमेश्वरन, साहित्यकार हैं केरल के, इनको मिला है, ठीक है। इसके बाद रैमन मैक्सेस पुरस्कार 2 भारतीयों को मिला है। पहला है भरत बटवानी और दूसरा है सोनम बांगचुंग को। ये दोनों भारत के हैं, बाकी मिला कई लोगों को है। ये एशिया के नोबेल प्राइज कहे जाते हैं रैमन मैक्सेस पुरस्कार को। भरत बटवानी भारत और सोनम बांगचुंग को, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2017 भारत को मिला था, मानुषी छिल्लर का नाम सुना होगा आपने। 2018 मिला है बनेसा पाल डी लियोन को। अनुकृति वास गई थी लेकिन टॉप 12वें से बाहर हो गई थी अनुकृति वास, ठीक है। तो ये इसमें मिस वर्ल्ड 2018 है बनेसा पाल डी लियोन, ये है मेक्सिको की, बनेसा पांस डी लियोन मेक्सिको की। 2017 मानुषी छिल्लर मिला था। मिस यूनिवर्स 2018 कैरियोना इलियेसा ग्रे, फिलीपींस की हैं ये, ठीक है। कैट्रियोना इलियेसा ग्रे, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, नेट में सर्च कर लीजिएगा। मिस इंडिया 2018 अनुकृति वास, ये कहाँ से है, तमिलनाडु से हैं। मिस अर्थ 2018, पता नहीं क्या अर्थ और ये यूनिवर्स बना दिए हैं, समझ में नहीं आता। इसमें तो फिर मंगल ग्रह वालों को भी बुलाना चाहिए था, ठीक है। मिस अर्थ 2018 इसमें गुएन फुओंग खान वियतनाम से हैं, अभी पता नहीं चल रहा महिलाएं पुरुष हैं, ठीक है। गुएन फुओंग खान ये वियतनाम से हैं, ठीक है। 48वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हमेशा गोवा में होता है, जब कभी भी आ जाए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये गोवा में ही होगा, पणजी में, 48वां, ये याद रखिएगा, आँख मूंद करके मारना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका पुरस्कार, इतने ही पुरस्कार है जिसमें ज्ञानपीठ की बहुत संभावना है, पद्म विभूषण भी पूछ सकता है, और आप जो है थोड़ा सा रैमन मैक्सेस, मिस वर्ल्ड, ये सब ये जितने मैंने बताए इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। अगला है नियुक्तियाँ, कुछ नियुक्तियाँ हुई अभी हाल फिलहाल में। ये नंबर पूछते हैं, 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, नंबर याद रखिएगा, रंजन गोगोई की याद रखिएगा चाहे नहीं याद रखिएगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही याद है, अभी फंसे थे किसी चीज़ पे, आरोप लगाया गया था उनके ऊपर जो कि निराधार निकला, ठीक है। तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। फिर अभी राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, ये 9 अगस्त 2018 को चुने गए। भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की जगह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आ चुके हैं, यहाँ पर नाम बदल चुका है, ये भी सुब्रमण्यम ही है लेकिन अरविंद नहीं है, कृष्णमूर्ति आ चुके हैं। 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। नेक्स्ट यूपीएससी के चेयरमैन, ये बहुत जरूरी है ना, तैयारी आप इसी कर रहे हो, अरविंद सक्सेना, ये आएगा नहीं लेकिन जानना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करो, यूपीपीएससी वालों को मैं उसके पता नहीं होंगे आपको अभी भी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील अरोड़ा, ये पूछे जाएंगे, अभी चूंकि चुनाव चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में ट्रेंडिंग में आ जाएंगे सुशील अरोड़ा साहब। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ मिशन के सीईओ कौन बनाए गए हैं, अभी चुकी हैं इसके हैं इंद्रभूषण, ये ध्यान रखिएगा। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान, यही इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी इसरो ने मिशन शक्ति गगनयान 50 चीजें हैं अभी, ध्यान रखिएगा। 13वें सीएजी कैक कौन है हमारे, राजीव महर्षि, काफी पुराना ये है। वित्त सचिव अभी बने हैं ए एन झा। तो इतने मैंने नियुक्तियां लिखी हैं, बाकी की नियुक्तियां मैं पहले बता चुका हूं, वो अपडेट नहीं थी इसलिए मैंने अपडेट किया भी नहीं, उसी से पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। कलम संस्कृति में 3-4 बातें, पहली बात ही कुंभ मेले का आयोजन हो गया है ना, कब से कब हुआ, 15 जनवरी से मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ और 14 मार्च तक रहा ये, ठीक है। और इसमें जो है इसका दो चीजें, पहले तो टैगलाइन थी सर्व सिद्ध प्रदा कुंभा,
ठीक है। टैगलाइन है इसकी सर्वसिद्ध प्रदा कुंभ, और थीम क्या थी, स्वच्छ कुंभ सुरक्षित कुंभ। बस दो ही चीजें इसकी जाननी है, बाकी आपकी मर्जी। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2019 को वाराणसी में पवित्र दशाश्वमेध घाट में मान महल में आभासी प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया, ठीक है। नेक्स्ट 30 जून 2019 को सिक्किम में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया। सिक्किम में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना के तहत बुद्धा सर्किट, रामायण सर्किट, दुनिया भर के सर्किट बनाने हैं, पहला बन गया सिक्किम में, बनना क्या प्रस्तावित हो चुका है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की नींव रखी। तो ये कुछ जो है आर्ट एंड कल्चर की, और भी दो चार छह चीजें हैं जो कि मेन मेन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के अभी आपका ये रिपोर्ट और सूचकांक है, मैंने इसे सबसे अंत में रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो विश्व आर्थिक मंच वाले हैं तो बहुत पूछे जाते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जो पूछता है वो पूछे जाते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मानव विकास सूचकांक 2018, नंबर एक में नॉर्वे रहेगा हमेशा की तरह, और भारत 130 नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2019 आ चुका है, नंबर एक में नॉर्वे, 140वें पे भारत। ये मुझे समझ में नहीं आता, हमारी प्रेस तो खूब फ्रीडम है, प्रेस को कौन रोकता है, पता नहीं किस मामले में। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उल्टा सुलटा भी करती हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2019 में नॉर्वे नंबर एक, भारत 140। हम कुछ भी बोलते हैं, प्रेस कुछ भी कहती है, कहाँ कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो क्लॉज है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है इसको, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये क्या है, ये आपका नंबर एक डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे भारत, भारत 78 पे, भारत 18वें नंबर पे, 78 नंबर पे भ्रष्टाचार देश है, यहाँ पे भ्रष्टाचार, डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचारी है। ये नहीं कि डेनमार्क पहले नंबर पे भ्रष्टाचारी, ये नहीं है, इसमें उल्टा है, ठीक है, भारत 78वें नंबर पे है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अमेरिका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अमेरिका में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित रहते हैं, भारत में खूब चोरी होते हैं, 36 नंबर पे, ठीक है, भारत 36वें नंबर पे है, मुझे लगता है 39-40 देसी हैं, तो नीचे से हम ही हैं टॉप फोर में। नेक्स्ट आगे जो है, अगला है आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, नंबर एक 2018 का है, नंबर एक अमेरिका, भारत 98 नंबर पे, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप में नंबर एक में आइसलैंड, भारत 108वें नंबर पे। ये बहुत वैश्विक शांति सूचकांक, आइसलैंड नंबर एक पे, भारत 136वें नंबर पे, यहाँ पे शांति नहीं है, अशांत देश में भारत को जोड़ के रखा गया है, लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है। समावेशी विकास सूचकांक के नंबर एक पे नॉर्वे, 62 नंबर पे भारत है। यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2017, नंबर एक में स्पेन, भारत 40वें नंबर पे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी डाटा अपडेट हो जाएगा इसका। संसद में महिला प्रतिनिधित्व में भारत 149वें नंबर पे आता है, हमारे वहाँ पे 0.9% महिलाओं का ही संसद में, नंबर एक में रवांडा है, ठीक है, रवांडा में 69% महिलाएं ही महिलाएं, कैसे संसद चलती होगी। नेक्स्ट अगला है आपका अस्थिर राष्ट्र सूचकांक, अस्थिर राष्ट्र सूचकांक में सबसे अस्थिर यमन संकट, आप लोगों ने सुना होगा, यमन सबसे अस्थिर राष्ट्र है, भारत 14वें नंबर पे है अस्थिर राष्ट्रों की श्रेणी में, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर एक में हांगकांग, भारत 129वें नंबर पे। लोकतंत्र सूचकांक एक नंबर पे नॉर्वे, 41वें नंबर पे भारत। नेक्स्ट है आपका वैश्विक भूख सूचकांक 2018, बेलारूस नंबर एक में, भारत 103 में। ये याद रख लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, बहुत बड़ी छलांग मारी है भारत ने इस पे, पहले एक समय 130वीं होती थी, फिर 100 पे आए, अब और घट के 77 नंबर पे आ गए हैं। हमारे यहाँ पे व्यापार करना धीरे धीरे सुलभ बनता जा रहा है, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत 77वें नंबर पे आ गया है, न्यूजीलैंड पहले नंबर पे है, ठीक है। विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक 2018 में सिंगापुर नंबर एक में, भारत 115वें नंबर पे। इसके बाद नेक्स्ट वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में इराक नंबर एक में, भारत 7वें नंबर पे, ठीक है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 नंबर एक स्वीडन, भारत 11वें नंबर पे। ये हो गए आपके प्रमुख सूचकांक, तीन चार, पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बताइए, 77 नंबर पे हैं हम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 77 नंबर, मानव विकास सूचकांक 130 नंबर, भ्रष्टाचार में 78 नंबर, इसके अलावा
इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप में 108 नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक में 136वें नंबर, आइसलैंड नंबर एक, ये कई बार पूछा गया है ये वाला, ठीक है। तो ये पूरे याद कर लीजिएगा जितने हैं, कई बार जो है इनको एक दो बार समझ करके याद करना है, जितने मैंने लिखवा दिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है जिसमें ये स्वीडन एक नंबर, 76 नंबर पे भारत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ जन्म शताब्दियां हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड 100 साल पूरे हुए, जलियांवाले बाग हत्याकांड के बारे में जानते ही हैं, है ना। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, बड़ी बड़ी आशा लगा के बैठे थे हम लोग, है ना, कि हमें जो है अपना वैश्विक दर्जा देंगे, मौलिक अधिकार दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, और उसी समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, और अचानक जो है रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट के तहत जो है भारतीयों को बिना पूछे समझे शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी भी प्रकार की उनकी दलील नहीं सुनी जाएगी, जिसके कारण से भारत में विरोध होने चालू हुए। पंजाब वाले क्षेत्र में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के द्वारा आंदोलन किया गया। जलियांवाले बाग क्षेत्र में बैसाखी के दिन एक आयोजन हुआ। आयोजन के दिन जनरल डायर पूरी जितना असलाह बारूद था सब लेके पहुंचा और धुआंधार गोलियां चलाई जिसमें हजारों की संख्या में लोग मार दिए गए। ये इसके 100 साल पूरे हुए, कब पूरे हुए 100 साल, 13 अप्रैल 1919 से लेकर के 13 अप्रैल 2019 तक 100 साल की अवधि हो गई, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शायद आप लोगों को बताया गया हो, इसको बोलते हैं मे फोर मूवमेंट, चाइना में हुआ था मे फोर मूवमेंट। चाइना में क्या था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है, देखो सेम वहां भी यही कंडीशन हुई, और ये मूवमेंट आपका हुआ था मे फोर 4 मई 1919 को, जैसे यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड वहां पे मे फोर मूवमेंट हुआ। हुआ क्या था चाइना में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद टाइम पे चाइना ने ब्रिटेन का साथ दिया, जैसे भारत ने साथ दिया वैसे ब्रिटेन ने दिया। चाइना को लग रहा था कि मेरे क्षेत्रों को जो जापान ने कब्जा कर रखा है इन क्षेत्रों को हमें वापस करवा देगा ब्रिटेन जापान से, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटेन ने कोई भी क्षेत्र वापस नहीं करवाया जापान को, जिसके कारण से जब चीन के थियनमैन चौक पे हजारों छात्र उतर आए और व्यापक स्तर पे दमन किया गया थियनमैन चौक पे, तो फोर में, और उसी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। जो माओसो तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी है वो जापानी नियंत्रण को खत्म करने के लिए वो पार्टी का जन्म हुआ, और ये इसके भी 100 साल पूरे हुए हैं, 4 मई 2019 को 100 साल पूरे हो गए इसके। तो ये भी पूछा जा सकता है आपका मे फोर मूवमेंट, मे फोर 4 मई है ना, 4 मई का आंदोलन, ये 4 मई का आंदोलन थियनमैन चौक याद रखना है, और एक सैंडोक प्रांत था उस प्रांत को ही जापान ने नियंत्रित कर रखा था जिसको छुड़वाने के लिए आंदोलन कर रहे थे चीनी छात्र, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस सब जानते हैं, वातानुकूलित एक्सप्रेस, तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी भारत की, है ना, भारत के सभी राजधानियों को जोड़ने वाली, तो इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, 50 साल राजधानी एक्सप्रेस के पूरे हुए हैं। 3 मार्च 1969 से प्रारंभ हुई थी और 3 मार्च 2019 को 100 साल, पहली वातानुकूलित ट्रेन कही जाती है राजधानी एक्सप्रेस। चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए थे इसी साल, अप्रैल 2017 से 10 अप्रैल 2018 तक एक आयोजन भी किया गया था जिसके लिए बोला गया था सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान। अभी स्वच्छाग्रह चल रहा है ना, इस साल 2019 में गांधी जी का भी 150 साल पूरा होने वाला है और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को फाइनल डेट होगी उसकी, देखते हैं भारत सरकार उस डेट को बढ़ाए ना, और पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का कार्य चुनाव के बाद बड़ी तेजी से चालू किया जाएगा, हम भी कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका भारत छोड़ो चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए थे। चंपारण सत्याग्रह सब जानते हैं, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया था, कहाँ बुलाया था, चंपारण जिला बुलाया था, क्यों बुलाया था, तीनकटिया प्रथा थी, ये एक शोषणकालीन प्रथा थी, इसके तहत 3/20 हिस्से पे नील की खेती करनी होती थी, और ये एक नील एक व्यापारिक फसल थी जिसके कारण से किसान परेशान थे, उसको लेकर गांधी चंपारण गए, वहाँ पर आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद एक कमेटी बनी, कमेटी के बाद गांधी की बात सुन ली गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे हुए, 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ था, 9 अगस्त 2017 को आंदोलन के 45 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन मैं नहीं समझाऊंगा आपको, सब जानते हैं, गांधी के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा जन आंदोलन और सबसे फाइनल मूवमेंट जिसने भारत की आज़ादी की नींव रखी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जमशेदपुर शहर के बारे में जानते होंगे आप लोग, जमशेदपुर शहर, ये 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा यहाँ पे टिस्को बनाई गई, टाटा स्टील प्लांट डाला गया, तब जंगलात था पूरा, ठीक है। लेकिन आगे चल के 1919 में
1919 में था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा इसका नाम रख दिया गया जमशेदपुर नगर, ठीक है। और अब 1919 से लेकर के 2019 आ चुका है, 2 जनवरी 2019 से इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं जमशेदपुर शहर के, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। औद्योगिकरण के लिए माना जाता है कि बड़ा पहला शहर है भारत के लिए, ठीक है। तो ये आपका लगभग लगभग, और कुछ बचा आपका, ठीक है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। हमने राष्ट्रीय मुद्दे सारे देख लिए, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे में काफ़ी चीज़ें हैं, इसको दो बार तीन बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। और इससे पहले वाला वीडियो जो है वो भी देखना है, दोनों मर्ज करके देखो, 4 घंटे में एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। राष्ट्रीय मुद्दे के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आपने देखे, IR से जुड़े हुए, मैंने आपको कुछ सम्मेलन बताए। IR में 2-3 सम्मेलन और हैं, एक सम्मेलन है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ये पहला था इसलिए इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला नार्डिक, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था ये। और इसके बाद एक आपका है IISS संक्री लॉ संवाद 2018, इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ है। दो आयोजन ये हैं, ठीक है, ये दो आयोजन हैं। तो इस प्रकार से ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हो गया। विधि से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी, विधि और न्याय में अभी जो संविधान संशोधन जो भी चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सारी मैंने आपको बता दी, अंतरिम बजट के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी, अंतरिम बजट के बारे में आपको बता दिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा हो गई, महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में चर्चा हो गई, पर्यावरण जैव विविधता के बारे में चर्चा हो गई, हमारी चर्चा हो गई पुरस्कार के बारे में, हमारी चर्चा हो गई नियुक्ति के बारे में, हमारी चर्चा हुई कलम संस्कृति के माध्यम से। इसी के साथ करंट अफेयर्स का ये मास्टर वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं इसको 2 से 3 बार देखना है, 2 से 3 बार देखना ही नहीं है, दूसरों को दिखाना भी है ना, लोगों तक पहुंचाना है, भेजना है उन लोगों तक, उन बच्चों तक जिन तक मेरी है ना, जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, अभी बहुत लोगों को मैं मिल गया हूं, कुछ को तो मिला ही नहीं, तो उन तक भी पहुंचाना है ना, इसको बिल्कुल ऐसा फैला देना है। और ये एक बेहतरीन एपिसोड की सीरीज जिंदगी हमेशा जारी रहेगी जब तक मैं रहूँगा। अभी तो ये सब Part 1 चल रहा, आगे चल के प्राचीन भारत 2.0 नया वर्जन है ना, मध्यकालीन भारत 2.0, तब तक मैं भी बदल जाऊँगा ना, मेरा भी नया वर्जन आ जाएगा, तो आगे चल के फिर नए नए वर्जन भी आएंगे, ये मैं कभी ख़त्म नहीं करूँगा इस सीरीज को, है ना। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, चलिए।